तो पहले तो इस मॉडुलस फंक्शन को एक्सपैंड करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा कर्व कैसा बनेगा ओके सो so, लेट्स अगर मैं एक टू डी प्लेन बनाऊ दिस ओके इट इज ए टू डी प्लेन अब कर क्या है कर्व है यहां पे मॉडुलस एक्स इक्वेशन ऑफ द कर आपको हिंट भी दे रखी है नीचे अगर आप पढ़ना चाहते हो ना

तो देखो मुझे पता है मॉडुलस एक्स को जब मैं एक्सपेंड करता हूं तो एक बार प्लस में खुलता है और एक बार माइनस में और सिमिलरली वाई को भी एक्सपेंड करेंगे तो एक बार वाई प्लस में और एक माइनस में तो इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव करके चार इक्वेशन बनने वाली है ओके okay? और चार इक्वेशन बनेंगी तो चार ही यहाँ पे कवस बनेंगे चार ही कव बनेंगे उन चारों कव के बीच का एरिया

जो मॉड्यूलस एक्स प्लस मॉड्यूलस वाई इक्वल टू वन है इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूं इसको जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो चार इक्वेशंस निकल के आ रही है क्योंकि इधर से दो इधर से दो यानी कि टू का दो का दोगुना चार ठीक है चलो पहले इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव तो मॉडुलस एक्स वो एक्स में खोल दिया और मोटलस वाई को भी वाई में खोल दिया और आर को छेड़ना नहीं है इक्वल टू वन पहली इक्वेशन ये निकल के आई है ना उसके बाद आ जाओ एंड उसके बाद एक्स को नेगेटिव खोल दो माइनस एक्स और वाई को पॉजिटिव रहने दो इक्वल टू वन तीसरी इक्वेशन एक्स को पॉजिटिव और वाई को नेगेटिव ठीक है और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसको भी नेगेटिव एंड इसको भी नेगेटिव इक्वल टू वन फाइन सोचा ओके अब यहां से यहाँ से ठीक है ठीक है अब इन चार इक्वेशन से अपन ना चार लाइंस बनाने की कोशिश करते हैं तो चलो पहली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू वन अब तो, तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसे बनेगी बताओ अब इस पे फोकस करोगे x प्लस वाई इक्वल टू वन कैसे बनेगी क्यों वन आ रहा है ना ओरिजिन से वही स्ट्रेट लाइन पास होती है जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है मान लो जीरो होता ना तब वो ओरिजिन से पास होती जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो या मिसिंग होता है ऐसे कहें जिस इक्वेशन में वो कर्व या वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा जैसे पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स उसमें कोई भी वो नहीं है कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए वो हमेशा ओरिजिन को छूता हुआ निकलता है वाई hmm. एक्सिस पे वन होगा वोट अबाउट एक्स एक्सिस देखो इसको आप कन्वर्ट करो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो ऑप्शन चलो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इट इज लाइक एक्स बाई वन प्लस वाई बाई वन इक्वल टू वन तो एक्स इंटरसेप्ट भी वन लेट से इतना इतनी दूरी वन ले लो और वाई इंटरसेप्ट उतनी दूरी ऊपर ले लो तो एक्स इंटरसेप्ट भी बना रहा है और वाई इंटरसेप्ट भी बना रहा है बराबर आ रहे हैं दोनों तो इन दोनों से पास थ्रू होती हुई एक लाइन बनेगी जिसको अपन कहेंगे क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन समझ आया हमारे एक्स प्लस वाई इक्वल टू डन चलो अब दूसरी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन इसको भी कन्वर्ट करो उसमें सो इट विल बी लाइक एक्स के नीचे माइनस वन लगा दो और वाई के नीचे वन इक्वल टू वन यानी एक्स इंटरसेप्ट माइनस वन है अब की बार एक्स इंटरसेप्ट से माइनस वन है यानी कि जितनी दूरी इधर ली थी उतनी दूर इधर लो और फिर लगा दो उतनी दूर इधर ले तो एक्स तो माइनस वन है वाई प्लस वन है यानी ऐसे और वैसे भी देखो अब इसका स्लोप जो आएगा इसका स्लोप जो आएगा इसका स्लोप तो आएगा नेगेटिव क्योंकि ऑप्टिक एंगल बना रही है और इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा अगर आप यहाँ से वाई सी को इसका स्लोप निकालेंगे या और दोनों का निकालेंगे तो इसका नेगेटिव आएगा इसका पॉजिटिव आएगा तो चलो स्लोप इंटरस फॉर्म से हमने बहुत सारे लाइन्स की इक्वेशन ट्राई करी थी तो इसको हमने टोटल इंटरेस्ट फॉर्म से ट्राई करिए और देखा जाए तो टोटल इंटरेस्ट फॉर्म उल्टा आसान होता है स्लोप इंटरेस्ट फॉर्म से भी स्लोप का पंगा नहीं है बस माइनस वन पे छुएगी को पे छुएगी दैट्स बताओ एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन इसको टोटल इंटरेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे लास्ट ईयर में तक जो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर था वो रह गया था क्या आपका आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट उसके वीक है x प्लस वाईक्वल टू वन से लाइन कैसी बनेगी उसको सोचने में एक क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि एक तो क्लास में भी करके आया है वो ठीक चलो क्लास टेंस में तो क्या बच्चों वाला तरीका होता था एक्स की वैल्यू लो फिर वाई निकालो फिर points निकालो, points से जोड़ो फिर भी एक्स प्लस वाईक्वल टू वन तो इतना आसान है कि वो तो बच्चा टेंथ वाला भी वो करके भी कर देता इतनी देर में तो कि जीरो पे एक्स की वैल्यू जीरो रखेगा तो वाई की वैल्यू वन जीरो जीरो रखेगा एक्स की वैल्यू वन तो जीरो ठीक है ना और इलेवेंथ क्लास का स्टूडेंट तो फिर फटाफट या तो स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करता है या फटाफट टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और तो जल्दी निकालता है चलो एक्स की वैल्यू वन मतलब एक्स के इंटरसेप वन प्लस लगा के वाई का इंटरसेप माइनस वन इक्वल टू वन या ना अब एक्स की एक्स को वन पे छुएगा और वाई को माइनस वन पे छुएगा तो ये एक्स को वन और वाई को माइनस वन ये वाली लाइन बन जाएगी ये इसके पैरेलल बनेगी जो ऊपर लाइन बनी हुई है ना इन दोनों के पैरल बनेगी। थोड़े सी पैरल इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि फ्री एंड से बनाइए बाकी इसके पैरल ठीक है लास्ट बट नॉर्थ द लिस्ट आ जाइए अब दोनों के नीचे माइनस दोनों माइनस वन है तो दोनों के नीचे माइनस वन लगा दो एक्स माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू ठीक है तो एक्स भी माइनस वन वाई ये वाली लाइन बन जाएगी जो उस वाली लाइन के पैरेलल बनेगी ठीक so so है इन चारों के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दो फटाफट बट से ये तो ओरिजिन होता ही है इसको ए ले लो ये वन एक एक यूनिट दूर है ना तो वन कॉमा जीरो बी ले लो क्या होगा जीरो कॉमा वन इसको सी ले लो माइनस वन कोमा जीरो लो जीरो बनने वाला एरिया निकालो तो इस कर से बन इस कर से एक नहीं चार का बन गया ये एक्चुअली जो ये बना हुआ है ना जो भी बना हुआ है तामजाम रेड कलर का ये जो भी रेड कलर का तामजाम इधर बना हुआ है ये सब इसी की ज्योमेट्रिक फॉर्म है जो इधर लिखा हुआ है

हाफ एंड सॉरी रूट टू इंटू रूट टू टू स्क्वायर यूनिट्स पूरे का एरिया आ जाता लेकिन हमको यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे ढूंढेंगे तो ये चारों इक्वल है सो so मैं केवल और केवल ये वाला एरिया निकालूंगा बिकॉज आई फर्स्ट प्वाडेंट वाला आई वॉन्ट टू फाइंड इट यूजिंग इंटीग्रेशन सो वॉट आई विल डू आई जस्ट फाइंड दिस एरिया ठीक है और इस एरिया के लिए मुझे जो कर चाहिए वो हो जाएगी एक्स प्लस वाईक्वल टू वन पहली पहली वाली कर वहीं से मैं वाई की वैल्यू निकाल के ठीक है चाहो तो आप एक्स को बेस मान लो तो वाई की वैल्यू निकाल लो और चाहो तो आप वाई को बेस मान लो तो एक्स की दोनों में बराबर ही काम है एक्चुअली ठीक है ना कुछ भी कर सकते हो सो so, सीधा ही कर लेते हैं फिर एक्स को बेस मान लेते हैं एक्स को बेस मानेंगे दैट मीन्स ये एरिया निकालेंगे ये एरिया निकालेंगे दैट मीन्स आप स्ट्रिप्स जो बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे एक्सिस को बेस मानेंगे तो डीएक्स डीएक्स वाले ठीक है शुरू करें चलिए तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ठीक है इनके सामने इनकी इक्वेश लिख दो आ, ये वाली जो है वो क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन देन सेकेंड कौन सी बनाई थी है? हमने ये वाली माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन फिर ये वाली बनाई थी ये वाली ये लास्ट बनाई थी तो ये क्या होगी एक्स माइनस उसके बगल में लिखना कहीं भी है ना वन और लास्ट वाली लास्ट वाली है ना ये वाली है ना उल्टा बेटा दोनों नेगेटिव है है ना ये तो थर्ड में है दोनों नेगेटिव ये है हमारी इसमें ये वन और ये माइनस वन तो ये वाली इक्वेशन है एक्चुअली एक्स माइनस इक्वल टू वन और ये है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन ठीक है तो हम तो ये वाला एरिया निकाल रहे हैं तो हमको तो ये रेड लाइन चाहिए पहली 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 रेड लाइन की इक्वेशन ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन तो जो पहली वाली इक्वेशन है ये वाली यहीं से हम क्या निकाल निकाल लेंगे लेंगे y की वैल्यू उसी को फंक्शन मान लेंगे है ना तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स फंक्शन मिल गया डन चलो जी तो वन माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है अपने को लिमिट लिमिट हो जाएगी जीरो टू वन ठीक है रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया इसका नामकरण करो इस एरिया का नहीं रिक्वायर्ड एरिया तो पूरा है ना तो ए बी सी डी ए रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी ए इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ ओ ए बी ओ ठीक है तो फोर इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू फोर इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ एक्स क्या है वन माइनस एक्स डी एक्स वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दो फोर तो बाहर रहेगा ही रहेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू और लिमिट वही जीरो टू वन तो यू कैन सी जीरो रखेंगे तो कुछ नहीं होगा जीरो बन जाएगा बस वन रखने ठीक है तो यहां पे कर देता हूँ इस जगह पे इक्वल टू इक्वल टू फोर तो पहले वन रखेंगे तो वन माइनस वन बाय टू फिर जीरो रखूंगा तो माइनस जीरो प्लस जीरो तो वन माइनस वन बाय टू इन हाफ फोर इंटू हाफ इज टू स्क्वायर यूनिट्स

टू स्क्वायर यूनिट्स का ये एरिया क्लोज होता है समझ आया चले नेक्स्ट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फाइन द एरिया बाउंडेड बाई दाई वाई ग्रेटर टू मॉडल टू मॉडुलस एक्स तो आपको समझ में आता ही होगा ठीक है अभी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है तो देखो अभी तक जो अपन निकाल रहे थे कर्ज का एरिया उसमें क्या कर रहा था वो भाई कर्व दे रहा था वो इक्वालिटी में दे रहा था ठीक है इक्वालिटी में दे रहा था अभी उसने इन इक्वालिटी में दे दिया तो बेटा इन इक्वालिटी में उल्टा आसान है इक्वालिटी में तो दे जैसे लाइन खींची मैंने ना फिर ये लाइन कीजिए फिर आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है ये लाइन में चाहिए ये लाइन में चाहिए तो ये वाला एरिया है है ना हमको दिमाग लगाना पड़ रहा है कि वो कर्व्स जो है मिलके कैसा एरिया बना रहे हैं इनइक्वालिटी में उल्टा आसान है इनइक्वालिटी में आपको पता है आपने क्लास एलेवंथ में पढ़ी होगी कि इनइक्वालिटी में मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन या कर्व के या तो राइट right साइड वाला एरिया होता है या अप लेफ्ट साइड वाला एरिया होता है या ऊपर वाला एरिया होता है नीचे वाला तो इनइक्वालिटी से तो उल्टा क्लियर हो गया ना कि ये वाला एरिया चाहिए या ये वाला एरिया चाहिए बाकी में तो सोचना पड़ रहा था इक्वालिटी में तो हमको सोचना पड़ रहा था कि राइट right वाला एरिया करूं बाउंडेड या लेफ्ट वाला इसमें तो उल्टा क्लियर हो गया कि राइट right वाला करना है या लेफ्ट वाला करना है तो उल्टा हमारा काम आसान हो गया कुछ भी नहीं करना वैसे के वैसे एरिया बाउंड करना है उल्टा हमारा काम आसान हो चुका है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी मानते हुए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर बना देंगे ठीक है बनाए सो इट इज ए टू डी प्लेन तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा कर बोलो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के वाई पॉजिटिव अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बना दो एक mm -hmm.

तो ये कर फिर से बनाना पड़ेगा नहीं तो इंटरसेक्शन ढंग से नहीं हो रहा पहले वो बना दो चलो फोर्टी फाइव डिग्रीज इसके इसके बीच में एग्जैक्टली exactly बीच में और फोर्टी फाइव डिग्री इसके इसके भी एग्जैक्टली exactly बीच तो ये तो बन गया मेरा वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स अब बनाओ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है ठीक है अभी, ये हो गया, वाला तो हो गया गया वाला तो मेरा y equal to x square, और ब्लू वाला दो तरफ बटा हुआ है एक तरफ तो वाई इक्वल टू एक्स एक तरफ वाईक्वल टू माइनस एक्स तरीके से खुलेगा तो खोल दो तरीके से खुलेगा खुल खुले तो एक बार पॉजिटिव एक्स और एक बार नेगेटिव एक्स सो लेट से इसको ले लेते हैं अपन वाई इक्वल टू पॉजिटिव एक्स आइडेंटिटी फंक्शन बना इधर तो राइट साइड में और इधर नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स ठीक है अब सुनो अब वो ग्रेटर देन एक इन इक्वालिटी की बात करते हैं सर लेकिन इक्वालिटी अभी मान लो ये कहता कि है ना इस कर्व और इस कर्व से बाउंडेड एरिया बताओ तो हमको क्या दिमाग लगाना पड़ता अच्छा इस कर्व इस कर्व से जैसे भी ये पैरा बोला है तो पैरा बोला के ऊपर वाला एरिया लूँ या नीचे वाला लू बाउंडेड नीचे तो नहीं होगा ये दिमाग आपको अब तक लगाना पड़ रहा है ना सारे क्वेश्चन में कि पैराबोला से बाउंडेड एरिया पैराबोला से ऊपर वाला होगा या पैराबोला से लेफ्ट वाला होगा या पैराबोला से राइट वाला होगा कौन सा भी जो आपने टेंथ क्वेश्चन कल किया था ना वो इसी टाइप में मजेदार क्वेश्चन था ना टेंथ क्वेश्चन जो हमने कल किया तो ऐसी प्रॉब्लम अपने को आती है लेकिन इसने तो क्लियर कर दिया ग्रेटर देन देखिए तो ग्रेटर देन जब अपने को मिल जाता है तो ग्रेटर देन इनक्वालिटी देखो इक्वालिटी में तो क्या होता है कर्व के ऊपर के पॉइंट्स आते हैं उनका कलेक्शन होता है कर्व, जो इक्वेशन दे रखी है इनक्वालिटी में कर के ऊपर के पॉइंट्स तो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं पर उनके उसके अलावा जो मतलब उस 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 कर्व के वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कोई भी कर्व हम बनाएंगे तो टू डी प्लेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा उससे तो वो वाला पार्ट लेना है या ये वाला पार्ट लेना है ये इन से पता चलता है मतलब इन में पूरा एरिया शेड होता है उसके अंदर के सारे पॉइंट्स

तब कर्व के के ऊपर पॉइंट्स नहीं होते हैं। अब या तो ऊपर और नीचे का एक पोर्शन होगा क्या कहते हैं इसको? Strict, नहीं, इसको कहते हैं, वो होती है स्ट्रिक्ट जो पहले बनी थी तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन एक अलग चीज है दो तरीके की होती है स्ट्रिक्ट और एक स्लैक स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि वो पॉइंट्स नहीं लेने उसके बाद के पॉइंट्स लेने ये ये स्ट्रिक्टनेस है उसमें है ना तो उसमें क्या होता है डंडा नहीं लगा रहता है है स्लैक में क्या होता है? ये दोनों काउंटेड होते हैं तो ये कर्व के ऊपर के पॉइंट्स भी काउंटेड हैं और इस कर्व से बनने वाले दो पोर्शन में से कोई एक पोर्शन काउंटेड है वो अपने को पता लगाना है कि वो ऊपर वाला पोर्शन है या नीचे वाला पोर्शन वो कैसे पता लगाते हैं तो हम क्या करेंगे ये कर्व जैसे ही टू प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो दोनों पार्ट्स में से कोई भी एक पॉइंट इस कर्व पे पुट अप करने की कोशिश करेंगे अगर उस पॉइंट ने इस को सेटिस्फाई किया तब तो वही वाला पोर्शन आंसर है और मान लो नहीं किया तो अपोजिट पोर्शन आंसर है ठीक है तो हम कोई सा भी एक पॉइंट उठा लेते हैं से ये कर्व जो है है प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वैसे तो जनरली ओरिजिन को पुटअप करके देखते हैं लेकिन कर्व खुद ही ओरिजिन से गुजर रहा है कर्व खुद ही ओरिजिन से गुजर रहा है तो ओरिजिन को तो उसको सेटिस्फाई करना ही करना है तो कोई ऐसा पॉइंट जो कर्व पे नहीं लाया कर रहा हो उसको चेक करना है तो कोई सा भी पॉइंट ले लो लेट से मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया लेफ्ट से ये तो जीरो कोमा जीरो से ही छूड़ा है ना इसके इसके राइट साइड वाला ले लो चलो ये ले लो ये कुछ भी होगा मान लो कि ये होगा फिर सेवन कोमा जीरो मान लो कुछ भी होगा मुझे क्या मतलब अब सेवन कोमा जीरो सेटिसफाई करेगा नहीं करेगा वो चेक करना है तो इनिक्वालिटी क्या है वाई इज ग्रेटर टू एक्स स्क्वायर इसमें सेवन डालो एक्स की जगह फोर्टी नाइन और वाई की जगह जीरो डालो तो क्या जीरो फोर्टी नाइन से बड़ा होता है क्या नहीं होता है दैट तो मीन इसने सेटिसफाई नहीं किया ना नहीं किया दैट मीन्स इस कर के नीचे का एरिया पोर्शन इसकी इनक्वलिटी का सोल्यूशन नहीं है और ये नहीं है तो फिर हंड्रेड परसेंट ऊपर वाला होगा एक पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देखो अगर वो पॉइंट उसके सोल्यूशन रीजन में आता है तो वो पूरा पोर्शन उसका सोल्यूशन रीजन है बाय द वे नहीं आता है तो जो अपोजिट पोर्शन था क्योंकि दो ही पोर्शन बनाता है कर एक टू प्लेन को दो ही पोर्शन में डिवाइड करेगा भाई या तो राइट right, लेफ्ट या अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे भी कर लो आप दो पोर्शन बनेगा एक पोर्शन का पॉइंट चेक कर लो सेटिस्फाई हुआ तो वही पोर्शन मेरा आंसर है और वो सेटिसफाई नहीं करा जैसे नहीं करा तो फिर उससे अपोजिट जो पोर्शन है वो उसका अपोजिट पोर्शन में कोई ले लो, ये ले लो, ये इसको क्या कहोग को मा नाइन ले लोरो नाइन वाई है तो नाइन जो है जीरो से बड़ा होता है ना ग्रेटर देन होता है होता है तो इस वाले पॉइंट ने सेटिस्फाई किया इस वाले ने नहीं किया वाला है नीचे वाला पोर्सन सोल्यूशन रीजन नहीं है यहाँ तक समझ आया बोलो यहां तक समझ आया हाँ बोलो कोई से भी पॉइंट्स ले सकते हैं देखो जैसे कि ये एक टू डी प्लेन है ठीक है ये एक लाइन बन गई इस लाइन ने इस कर्व को दो में डिवाइड कर दिया ऊपर एक नीचे तो ऊपर का अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो पूरा पोर्शन सेटिस्फाई होगा नीचे का एक कोई भी पॉइंट सेटिसफाई करता है तो अब इस केस में तो सबसे आसान तरीका होता है ओरिजिन को चेक कर लो क्योंकि लाइन खुद ओरिजिन से नहीं गुजर रही तो जीरो कोमा जीरो अगर सेटिस्फाई करता है तो ये वाला सोल्यूशन रीजन है अगर जीरो कोमा जीरो करता है तो वो तो इस पोर्शन में है ना जीरो कोमा जीरो को हम चेक कर रहे हैं और वो सेटिस्फाई करता है तो जीरो कोमा जीरो ऊपर है कि नीचे नीचे तो ये पूरा सोल्यूशन रीजन है यहाँ लाया होने वाला हर एक पॉइंट करेगा फिर एक कर रहा है तो सारे करेंगे नहीं करता है तो फिर ऊपर वाला आंसर अब इधर जीरो को जीरो को चेक नहीं कर सकते क्योंकि कर्व खुद वहां से फास्ट थ्रू हो रहा है तो उसको तो करना ही है उसके अलावा अभी समझ आया अच्छे से ठीक है तो अब इनिक्वालिटी मुझे चेक करनी है अभी मैंने रफली चेक करी तो इस कर्व के ऊपर का पोर्शन आ रहा है सारा अब अपने को सोचना है कि इस कर्व के ऊपर वाले पोर्शन है ना और उसके बाद y इक्वल टू मॉडुलस एक्स से कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है सपोज करो ये बात नहीं कहता वो सपोज करो ये y वाली बात नहीं कहता केवल इतनी सी बात कहता तो कौन सा एरिया बनता उस के ऊपर तो इसके ऊपर तो इनफाइनाइट एरिया ये लाइंस लग के बाउंड्री मिल गई आपको सो इन शॉर्ट वही एरिया बनेगा जो इतनी देर से हम निकाल रहे हैं सीधे सीधी भाषा में भी कह सकता था ये केवल और केवल कंफ्यूज करने के तरीके ये और ये एरिया तो बनेगा देखो इस कर से ऊपर और ये लाइन एज ए बाउंड्री काम कर रही है तो ये ब्लू और रेड के बीच में ब्लू और रेड के बीच का एरिया बनेगा नहीं बनेगा और तो और ये दोनों से मैट्रिक भी होंगे नहीं होंगे सो जस्ट फाइंड दिस एरिया एंड ट्वाइस इट आंसर ओके अब ये ऐसा भी कह सकता था कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया बताओ लेकिन उसने ये इनक्वालिटी में कन्वर्ट करके हमको बस कन्फ्यूज करने की कोशिश करी ठीक है ना क्योंकि जो इनक्वालिटी हाँ इनक्वालिटी अगर नीचे सेटिस्फाई होती तो आंसर जीरो होता क्योंकि इसके नीचे का एरिया इनफाइनाइट है और इसके नीचे एरिया इनफाइनाइट है तो कोई ब्लू लाइन नीचे से गुजर ही नहीं रही समझ गए ना क्लियर है या यूं क्या डिफाइंड ही नहीं होता वो एरिया अगर ये इनक्वालिटी नीचे की मांग लेता तो है ना चलो तो दिस इज ओ जीरो जीरो ये पॉइंट ले लो ए इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा एक्स एक्सिस को बेस ले लेते हैं इसको ले लो बी इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा ठीक है तो इंटरसेक्शन करवाया और ये एरिया अपने को निकाला और तो कई बार कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन एक पॉइंट आपको कर पे लेना पड़ेगा आ, से इसको बी ले लो और एक पॉइंट ये लाइन पे लेना पड़ेगा और एक कर पे लेना पड़ेगा लाइन ऊपर आ रही है कर्व नीचे आ रहा है और अगर आप एक्सिस को बेस मानो तो फिर कर्व ऊपर है और लाइन नीचे है पर अपन एक्स को ही ले लिया बेस चलिए तो सबसे पहले तो हम मॉडुलस को सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कर कॉस लिख लो दोनों क्स लिख लेते हैं अपन तो पहले तो है, हमारे पास वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स राइट एक्स कैसे खुलेगा याद एम्प्लाइस uh, ये दो तरीके से खुलेगा एक तो खुलेगा वाई इक्वल टू एक्स एंड एकवल टू माइनस एक्स ठीक है ये खोल दिया था अपन ने उसमें से भी अपन पहली वाली को ही लेंगे क्योंकि अपन राइट साइड वाला ही सॉल्व कर रहे हैं तो इसी को ले लो एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक तो कर मिल गया आपको और दूसरा दूसरा जो है y y is greater than equal to x square, okay? y is greater greater than than equal equal to to x x square, square. okay? आपने कैसे सोल्व किया ये ऊपर वाला एरिया क्यों आया ये आपको क्लास ट्वेल्थ में शो करने की जरूरत है इलेवंथ का पार्ट है इलेवंथ में तो पूरा शो करना पड़ता था Putting कोई भी एक point from the solution region in the equation, फिर सेटिसफाई हो रहा है दैट मीन्स वो पूरा सोल्यूशन रीजन उसका आंसर है ये सब बताना पड़ता था ना? यहाँ पे बस आपको वाई इक्वल टू मोट स्क्वायर कर्व लिखना है ठीक है अब यहां से यहां से जो है एक फंक्शन चाहिए होगा ठीक है ना तो 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 क्या लिखेंगे ये तो हो गई इन है ना ये तो क्या है इन इस इन से जो इक्वालिटी बनेगी वो क्या बनेगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है ना इससे इक्वालिटी ये बनेगी क्योंकि फंक्शन तो वहीं से मिलेगा इस y को ले लूंगा मैं जी ऑफ क्या ले लूंगा जियोफेक्स क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाले को पन, लेते ही हैं, तो ये लो साहब दूसरा फंक्शन मिल गया अब इंटरसेक्टिंग होगा सो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए इसको ले लो इक्वेशन वन और क्योंकि इसका और इसका चाहिए ना और इसको ले लो इक्वेशन टू और उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो वाई को सब्सटीट्यूट कर दू वाईक्वल टू एक्स इधर से इधर पुट अप कर दू है y equal to x from equation one to equation two वी get... करो क्या आएगा यहाँ पे x put up कर दिया तो x बराबर x that that minus x equal to zero that means x टू x minus one equal to zero तो x की वैल्यू या तो zero या फिर वन तो एक्स की वैल्यू जीरो तो ओरिजिन पे हो ही रही है इंटरसेक्शन या तो ही रहा है देट मीन्स वो वाला क्या है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वन कोमा वाई अब वो वाई से मतलब है नहीं मुझे एक्चुअली वो वो भी बन ही आएगा क्योंकि वाई और एक्स बराबर है ना उसको पुटअप कर दोगे ना दोनों तो वो भी बन ही आएगा लेकिन मैं निकाल लू ही क्यों वन कोमा वाई लिख देते हैं और यहाँ पे वन कोमा जीरो और अगर आप इसको बेस मानते तो फिर ये निकालना जरूरी हो जाता है ना फिर आप इसको एक्स कोमा वन लिखते हैं फिर आप वाई कोर्डिनेट पहले निकालते लिमिट मिल गए चलो फाइन द एरिया रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे फिर आपको लाइंस लिखनी पड़ेगी सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर वन कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी आर वन कोमा एरिया अब रिक्वायर्ड एरिया को यहां पे नाम देंगे तो काफी बड़ा होगा क्योंकि इधर भी है इधर भी तो उसको लेटर ए दे दो कई बार भी आपको नाम लिखने में दिक्कत है सिंपली लेटर दे दे दो वो क्या होगा ट्वाइस ऑफ दिस एरिया इसका तो नाम देना ही पड़ेगा सॉरी इंटीग्रेशन पहले नहीं ट्वाइस ऑफ दिस एरिया इसका तो नाम देना ही पड़ेगा क्या नाम दूंगा ओ सी ए बी ओ राइट ओ सी ए बी ओ ओके ये निकालेंगे ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट लगाओ पहले तो लाइन के नीचे का एरिया लाइन के नीचे का एरिया बताओ ओ बी ए अच्छा बी ऑलरेडी दे रखा था हमने तो, तो गलत हो गया डी ऑलरेडी दे रखा था तो इसको सी को करो उसको डी करो ठीक है दिस इज सी दिस इज डी तो इधर भी चेंज करो फिर ओ डी ए सी ओ ओ डी ए सी ठीक है चलो अब लाइन के नीचे का एरिया बताओ ओ बी ए सी ओ ओ बी ए सी ओ माइनस कर के नीचे का एरिया का डिफाइन करो ओ बी ए सही है बोलो समझ नहीं आ रहा हाँ इसमें से ये ये वाला माइनस होगा जो वाइट पोर्शन है तो जो अभी मैंने मार्क किया वो लाइन के नीचे आ रहा है लाइन के नीचे का एरिया यही होगा ओ बी ए सी ओ कर के नीचे का एरिया ओ बी ए डी ओ लाइन को इसलिए मैंने एफ एक्स लिया क्योंकि वो ऊपर आ रही है और कर को इसलिए मैंने जीओ एक्स लिया ठीक है और लिमिट दोनों की सेम है जीरो टू वन तो अपन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर उसको मर्ज कर देंगे 0 टू 1 पहले तो अलग-अलग लिख देते हैं fx dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 g(x) dx अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर देंगे उसको मर्ज कर देंगे कर दें सो so, ट्वाइस बोलो f(x) क्या था पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दो 0 टू 1 कॉमन दोनों के लिए f(x) यहां तो था x और g(x) क्या था x2 ठीक है कॉमन कर दिया मैंने dx ठीक है तो x माइनस और ब्रैकेट भी लगा दो क्योंकि ट्वाइस है ना चलो तो स्पेस नहीं है आजा, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सो ट्वाइस बोलो इंटीग्रेट करो ब्रैकेट लगा दो एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और एक्स स्क्वायर का क्या होगा थ्री ठीक है जीरो टू वन जीरो पुटअप करते हैं तो सबका वाड़ा हो जाएगा खत्म हो जाएगा वन पुटअप करो आप तो सो वन इधर पुटअप करेंगे वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री और जीरो पुटअप करेंगे माइनस जीरो प्लस जीरो सो वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री इज थ्री माइनस वन वन बाय सिक्स टू से थ्री टाइम्स कहेगा वन बाय थ्री स्क्वायर ठीक है समझ आ गया चले नेक्स्ट ओके. कर दो नंबर थर्टीन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी कोऑर्डिनेट्स ऑफ उस आर ए बी एंड सी बुथ वर्टीज एट पॉइंट टू में आया था शायद है ना कि हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हमको एरिया निकालना है एक बार मैं फिगर देखता हूँ अगर ईजी होगा तो फिर आप होमवर्क करना है ना स्ट्रेटेजी देख लेते हैं इसकी क्या स्ट्रेटेजी बनेगी ओके okay. सो so, जब आपको कोर्डिनेट्स से गिवन है तो पुट द वैल्यूज और क्या है ना जैसे पहला क्या है टू कॉमर जीरो अपने हिसाब से स्केल डिसाइड कर लो ये वन ये वन ये टू काफी तो टू कॉमा जीरो यही आएगा तो ये हो गया मेरा पहला वर्टेक्स ए ट्राइंगल का पहला वर्टेक्स आ गया ए टू कॉमा जीरो फोर कॉमा फाइव एक काम करते हैं एक काम करते हैं सुनो क्योंकि सारे के सारे आ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स हैं सारे के सारे किसके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स हैं तो हम वाई एक्सिस को थोड़ा सा इधर बना देते हैं ठीक है ना Like this. ठीक है चलो अब आ जाओ दो कदम बढ़ाने फिर चार कदम बढ़ाने फिर छे, तो छह के छह कदम बढ़ा देता हूँ मैं एक बार है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अपने हिसाब से अंदाजे से ठीक है तो पहला वर्टेक्स तो है ए टू कोमा जीरो तो टू कोमा जीरो इधर लाया करेगा इस पे दूसरा वर्टेक्स क्या है फोर कोमा फाइव तो वन टू थ्री फोर चार कदम ऊपर चार पांच कदम छह कदम ऊपर तक भी जाओ सेम टू सेम स्केल लेके दो तीन तीन चार पांच, छ ठीक है ना तो आइए फोर कॉमा फाइव कहाँ आएगा वन टू थ्री फोर और फाइव यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आएगा वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर ठीक है ना? तो ये हो जाएगा बी इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए फोर कॉमा और सी सी क्या है सिक्स कॉमा थ्री तो सिक्स कॉमा थ्री वन टू थ्री इसके पर क्या है सिक्स कॉमा थ्री तो इनको कनेक्ट करके ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है अब अगर पाबंदी ना होती तो का एरिया, तो एरिया ट्राइंगलता है, है।, है, तो है लेकिन उसने क्या कहा यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन मुझे ऐसा याद आ रहा है हमने किया था एक्सरसाइज नंबर एट पॉइंट टू में देखो करना क्या होगा हमको ये एरिया निकालना है चलो शेड कर देता हूं तो इस एरिया को डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ए तो खुद एक्सिस पे लाइ कर रहा है बी और सी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं तो बी और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे अगर अगर आप एक्सिस को बेस ले रहे हो तो और अगर वाई एक्सिस को बेस ले रहे हो तो फिर तीनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे ए से तो ऐसा का ऐसा ही होगा बी से और सी से तो जब एक पॉइंट इस पर लाइ कर रहा है और क्योंकि एक्स एक्सिस पे बेस लेना हम में हम कंफर्टेबल रहते हैं तो हम इसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ठीक है तो बी से तो इधर ही लाइक करेगा सी से लाया करेगा ठीक है लेट से इसको पी ले लो और उसको फोट पर फोटो ऑफ द पी और क्यू तो उसके फोर कोमा फाइव है तो इसके फोर कोमा जीरो और सिक्स कोमा जीरो देगा ये ए पी क्यू हमको लिमिट्स देंगे अब तो अब जो एरिया इंक्लोज होगा उसको आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि ये एरिया निकालने के लिए कौन से एरिया से कौन सा एरिया जोड़ें या घटाएं या क्या करें तो देखो सबसे पहले तो आप लाइन ए बी के नीचे का एरिया लाइन ए बी के नीचे का एरिया निकालोगे पूरा तो ये एरिया निकलेगा फिर आप लाइन बीसी के नीचे का एरिया निकालोगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा तो ट्रिपेजियम बन रहा है बीसी के नीचे ए बी के नीचे तो एक ट्राइंगल बन रहा था बीसी के नीचे एक बन रहा। और फिर इसमें से ये नीचे व्हाइट पोर्शन का एरिया नहीं चाहिए लाइन ए सी के नीचे का ट्राइंगुलर रीजन पूरा हटा दो तो निकलेगा कुल मिला के लाइन ए बी का भी इक्वेशन चाहिए लाइन बी सी की भी चाहिए और लाइन ए सी की भी चाहिए और इक्वेशन निकालते कैसे हैं दो पॉइंट से वाई टू माइनस वाई वन कैसे निकालते हैं बोलो वाई टू माइनस वाई वन सॉरी वाई माइनस वाई वन गलत कर दिया वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स ठीक है सो so, एक एक करके निकालो सबसे पहले तो किसकी ए बी की तो मैं अभी स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं अपन तो लाइन ए बी की इक्वेशन निकाल बोलो तो बी माइनस ए करेंगे तो वाई माइनस वाई वन तो एक्स वन वाई वन ए के कोऑर्डिनेट्स और तो एक्स टू वाई टू बी के कोऑर्डिनेट्स तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं टू का जीरो तो वाई माइनस जीरो और वाई टू माइनस वाई वन कर दो यानी फाइव माइनस जीरो माइनस टू और इधर एक्स माइनस एक्स वन भी करो एक्स माइनस टू ठीक है, इम्प्लाइस इम्प्लाइस इक्वेशन क्या बनेगी वाई माइनस टू समथिंग की फॉर्म में बनाना क्योंकि चाहिए, तो वाई रह गया उधर इधर सॉल्व कर दो तो पांच बटे दो फाइव बाई टू बस इसी फॉर्म में छोड़ दो यही हमारा पहला फंक्शन आ गया ठीक है ना एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू इन एक्स माइनस टू चलो लाइन ए बी के बाद आ जाओ लाइन बी सी लाइन बी सी तो बीसी के लिए वाई माइनस बी का नहीं बी का वाई कोऑर्डिनेट बी का वाई कोऑर्डिनेट फाइव है बेटा हाँ पी और क्यू तो केवल और केवल आपको बाद में चल के लिमिट्स देंगे इनको तो भूल जाओ अभी इनका कोई रोल नहीं है अभी तो एबीसी चल रहा है ए बी सी को फोकस करो तो बीसी वाई माइनस फाइव देन वाई टू माइनस वाई वन तो सी सी के में से बी के घटाओ तो थ्री माइनस फाइव सिक्स माइनस फोर और एक्स माइनस एक्स वन तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट फोर करें इसको सॉल्व अब वाई इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में चाहिए होगा ना आपको तो आप क्या करो माइनस फाइव को इधर ले आओ तो इट इज लाइक वाई इक्वल टू बोलो थ्री माइनस फाइव क्या होता है माइनस टू और सिक्स माइनस फोर क्या होता है माइनस टू से माइनस टू खत्म नीचे प्लस टू आएगा तो माइनस वन आ जाएगा ना 1 से अंदर मल्टीप्लाई तो 4 x 5. तो तो क्या हो जाएगा मुझे एफ ऑफ एक्स के बाद अगला जी एक्स मिल गया जी ऑफ एक्स इक्वल टू नाइन माइनस एक्स चलो लाइन ए सी लास्ट लाइन ए सी तो ए सी के लिए आ जाओ सी माइनस ए करना पड़ेगा यानी वाई माइनस ए का वाई कोऑर्डिनेट वाई जीरो ठीक है और वाई टू माइनस वाई वन करो सी माइनस ए यानी थ्री माइनस जीरो एंड सिक्स माइनस टू और एक्स माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट टू ठीक है यहां से भी वाई इक्वल टू समथिंग डायरेक्टली आ ही रहा है थ्री माइनस जीरो थ्री सिक्स माइनस टू फोर थ्री बाय फोर एंड एक्स माइनस टू ये हो जाएगी मेरी एच ओफ एक्सल टू थ्री बाय फोर इंटू एक्स टू डन चलो दिया अब एरिया बताओ फटाफट आफ़ाद से रिक्वायर्ड एरिया ये काम कर दिया अपन ने रिक्वायर्ड एरिया दैट इज वैसे तो ट्राइंगल ए है बट अभी कर् के नजरिए से देखेंगे ना तो एरिया ए बी सी ए वापस आएंगे है ना इक्वल टू आ जाओ तो सबसे पहले ए बी के नीचे का एरिया तो प्लस होगा है ना ए बी के नीचे का एरिया को क्या कहेंगे अपन ए पी बी एके एरिया ए पी बी ए प्लस इधर आ जाओ ट्रिपे से हम नीचे का एरिया को क्या नाम देंगे अपन पी क्यू पी क्यू सी बी पी राइट पी क्यू सी बी पी माइनस कौन सा होगा ये ए सी के नीचे का एरिया तो एरिया ए क्यू सी डेफिनेट इंटीग्रेशन के नजरिए देखें तो ये हो जाता है एपी बी ए कहा से कहां तक है टू से लेके फोर राइट right? और ए बी की इक्वेशन में अपन एफ एक्स लिया है एफ एक्स डी एक्स डन प्लस पी क्यू सी बी पी कहां से कहां से फोर से लेके सिक्स और P से लेके Q BC तो BC के नीचे वाले कर को अपने जीओ एक्स लिया है तो जीओ एक्स डी एक्स माइनस इसको क्या लेंगे ए क्यू टू से लेके पूरा सिक्स तक और इसको एच ओफ एक्स लिया ही था तो अब भूल जाओ केवल अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है बताओ फोर टू से लेके फोर एफ ऑफ एक्स क्या था फाइव बाई टू तो फाइव बाय टू बाहर ले लो कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर ले लो लगे यार फाइव बाय टू तो ले लो बाहर टू से लेके फोर केवल एक्स माइनस टू डी एक्स इसको करना है इंटीग्रेट जीओ एक्स में कुछ बाहर है नहीं है नहीं है ना कुछ भी बात नहीं है इसमें तो टू को को पूरे को इंटीग्रेट करना है और इसमें भी कुछ बाहर है ना थ्री बाय फोर बाहर है और इसमें टू से लेके सिक्स इंटीग्रेट करना है एक्स माइनस टू डी एक्स करें इंटीग्रेशन पार्ट चालू फाइव बाय टू ब्रैकेट कर दो इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन ना टू का टू एक्स और लिमिट क्या थी इसकी प्लस आगे चलो इसमें तो 9 x को इंटीग्रेट करो 4 6. तो 9 का 9x, और माइनस एक्स का स्क्वायर बाय टू फोर टू सिक्स फाइन माइनस अब आ जाओ एक कोई चीज बाहर थी उसमें क्या थी थ्री बाय फोर और एक्स माइनस टू का इंटीग्रेट करना है तो थ्री बाय फोर और एक्स माइनस टू का इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू था ना थ्री था एक्स माइनस टू हाँ माइनस टू था तो माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन करने के बाद और लिमिट कहाँ से कहाँ थी पूरी टू से लेके चलो अब लिमिट पुटअप कर दें तो फाइव बाई टू आ जाओ पहले फोर पुटअप करते हैं तो फोर का स्क्वायर एंड सिक्सटीन बाई टू एट फोर टू जा एट ठीक है

चलो जी लास्ट पोर्शन पे आ गया अपन माइनस थ्री बाय फोर इन टू सबसे पहले सिक्स पुट अप करो तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स बाय टू एटीन एटीन सिक्स टू जा ट्वेल टू पुट अप करो टू का स्क्वायर फोर बाय टू टू और माइनस माइनस प्लस टू टू जा फोर चलो जी ठीक है ये तो डायरेक्ट काटो और कुछ डायरेक्ट कट रहा है कहीं नहीं नहीं तो फाइव बाय टू इन टू फोर माइनस टू इज टू प्लस इधर आओ चौबन और आठ कितने हुए 62, 62 लिख दो माइनस अठारह छत्तीस और पांच -फोर है ना अब आगे बढ़ो माइनस थ्री फोर मल्टीप्लाइड बाय तो एटीन और फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में से ट्वेल्व गया टेन टेन माइनस टू एट फोर से टू टाइम इसको काटो टू से टू तो आंसर आ गया फाइव प्लस सिक्सटी टू माइनस फिफ्टी फोर कितना आएगा छह और दो आठ माइनस तीन पांच और आठ तेरह माइनस तीन यानी टेन स्क्वायर यूनिट्स कहा फाइव प्लस एट इधर सिक्स आएगा अच्छा थ्री टू या सिक्स तो एट प्लस फाइव थर्टीन माइनस सिक्स यानी कि सेवन स्क्वायर यूनिट्स ठीक है समझ आया ठीक है अब अगला क्वेश्चन हमको लग रहा होगा सर आसान काम है इधर तो वर्टिसेस गिवन थी ना तो हमने पहले इक्वेशन बना दी यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है वही स्ट्रेट लाइन्स बनेगी वही ट्राइंगल बनेगा और सर यहाँ तो इक्वेशन बनानी पड़ी वाई टू माइनस वाई वन यहाँ तो बनी बनाई मिल गई तो ये काम आसान है वो काम आसान है दोनों बराबर है अब इधर क्या चाहिए इधर इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए नहीं तो लिमिट नहीं पता चलेगी ठीक है ना तो ऐसा नहीं कि ये आसान है वो आसान है दोनों में करीब करीब बराबर ही काम है ठीक है ना इसमें भी वही काम है इसमें भी वही काम है लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो आप क्योंकि उधर तो उधर कोई ऑप्शन ही नहीं था इक्वेशन बनाने के अलावा लेकिन इधर हमारे पास इक्वेशन बनी बनाई अगर है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है कैसे यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है हम इसको वही अभी जैसे टोटल इंटरसेट फॉर्म में कन्वर्ट किया था अपन ने तो टोटल इंटरसेट फॉर्म से हम इन लाइन की सिचुएशन जल्दी भली बाती फटाफट से माप सकते हैं ना ठीक है जैसे पहली इक्वेशन पहली लाइन क्या है लाइन वन लिख देता हूँ उसमें लाइन एल लेख देता तीन लाइन है ना लाइन एल लाइन एम लाइन एम बोलो लाइन एल की इक्वेशन क्या है टू एक्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल आज आपका स्कूल ऑफ है मतलब प्रिपरेशन ली टू एक्स प्लस वाई टू फोर ठीक है ये हमको लाइन एल की इक्वेशन अब देखो क्या करेंगे इस इसके हिसाब से सोचेंगे लाइन कहाँ से कैसे गुजर रही होगी तो देखो अगर मैं फोर से डिवाइड कर दू पूरी इक्वेशन को तो क्या मिलता है एक्स बाय टू प्लस वाई बाय फोर इक्वल टू वन बन गई टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म इसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि लाइन कैसे गुजरी होगी दो कदम तो एक्स पे और चार कदम वाई पे एक दो एक दो तीन चार बना दो पहली लाइन पे बोलो सो so, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमको ये फायदा मिल जाता है ठीक है चलो दूसरी बताओ लाइन एम ले लेते हैं इसको को हाँ ना और फिर इस माइनस को प्लस के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा तो सिक्स से डिवाइड कराऊंगा तो एक्स बाय टू अभी कैलकुलेशन जल्दी करना है आपने लाइन कैसे बनाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाला इससे क्लास ट्वेल्थ वालों को कोई मतलब नहीं बनाना है बस करना है काम प्लस वाई डिवाइड बाई माइनस थ्री आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है और इक्वल टू वन तो यहाँ से इंटरसेप्ट तो टू ही मिला सेम मिला पहले वाला ही और वाई इंटरसेप्ट क्या मिला थ्री तो वन टू थ्री यानी इन दोनों को छूके जाएगी तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो मिल गया ना लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो चाहिए था मिल गया सीधी ठीक है भाई योगी लाइन एम है ना ये लाइन एल ये लाइन एम चलो लाइन एन बता दो फटाफट एक्स माइनस थ्री हाँ प्लस फाइव तो उधर ले जाओ माइनस फाइव तो यानी माइनस फाइव से डिवाइड कराना पड़ेगा

चलो जी तो x कोऑर्डिनेट तो माइनस फाइव है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वन पांच कदम आ जाओ माइनस फाइव के लिए वन, ठीक है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है फाइव बाय थ्री फाइव बाय थ्री मतलब वन से थोड़ा सा बड़ा यानी कि लगभग यहाँ पे है ना वन टू बाय थ्री हो जाएगा ना ये वन टू बाय थ्री यानी एक पूरा और अगले का टू बाय थ्री हिस्सा टू बाय थ्री हिस्सा मतलब लगभग यहाँ पे अंदर तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा बेटा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आ गया ट्राइंगल का बट एक निकालना बाकी के मतलब एक क्या इवन दो निकालने पड़ेंगे तो यानी कि हमने लाइंस बनाने की कोशिश तो करी पर हमारा मेथड थोड़ा सा यहाँ पे कारगर साबित नहीं हुआ एक्चुअली दो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे एक तो ये और एक एक ही निकला इस, इस लाइन से बनने वाला ट्राइंगल ये शेड होगा ये वाला अब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकालना ही पड़ेंगे ना तो एक तो निकल गया सबसे पहले वाला उसको तो ले लो टू कॉमा जीरो इसको तो इंटरसेक्शन कराने की जरूरत नहीं दिख रहा है साफ साफ टू कमर जीरो लेकिन ये बी और ये सी तो इंटरसेक्शन कराना ही पड़ेगा क्योंकि तो कुछ पता नहीं चल रहा है अगर एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करता जैसे ये कर रहा है एक्सिस के ऊपर तो पता चलता तो अब बी जो है मैं मार्क कर देता हूँ सबसे पहले वाली लाइन कौन सी थी एल ये वाली ये थी एल फिर सेकेंड नंबर पे ये बनाई थी ये थी एम और थर्ड नंबर पर यह बनाई थी एन तो बी जो है एल का और किसका इंटरसेक्शन है एन का तो एल और एन की इक्वेशन को क्लैश करवाओ तो वहां से बी निकलेगा ठीक है सो आ जाओ लाइन एल यहां से क्या और उसका भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है तो वाई की वैल्यू या तो यहाँ से इधर पुटप कर दो तो या वहां से दो तो? तो से कर सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई द वैल्यू ऑफ वाई इक्वेशन वन टू थ्री मार्क करनी पड़ेगी इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री सी जो है फिर एम और एम का है ना ये मार्क कर देंगे हम द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन वन टू इक्वेशन थ्री अभी एलोर एन का करवा रहे ना क्लैश फ्रॉम इक्वेशन वन टू इक्वेशन थ्री करो वी गेट हम्म क्या होगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर माइनस टू एक्स तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू फोर माइनस टू एक्स ओके बार थ्री है हाँ फोर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव ठीक है सॉल्व करते हैं सो इस लाइक एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस फाइव सो एक्स प्लस सिक्स एक्स यानी सेवन एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्व उधर जाएगा प्लस ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस फाइव इज सेवन यानी एक्स इक्वल टू वन यानी एक्जैक्टली ये वन के लग तो रहा था थोड़ा साइड में लेकिन अब एग्जैक्ट जब तक नहीं पता ना तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स वन कोमा वाई वन ले लो और वाई वन मुझे निकालने में कोई भी इंटरेस्ट हाल फिलहाल है नहीं तो मिला के ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये क्या आ गया पी ले लो उसको पहला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी ले लो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे देखो तीन वर्टिसेस में एक तो हमेशा एक्सिस पे लाया करवाएगा बाकी दो के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से सॉल्व करवाएगा हमेशा यही लॉजिक यूज किया है उसने चलो सी के कैसे निकालोगे एम और एन का क्लैश कराना पड़ेगा तो एम और एन में से किसी भी एक जगह से आप पाई की वैल्यू अगेन डाल दो तो कहाँ से डालू पाई की वैल्यू सरल के इसमें दिख रही है सरल तो किसी में नहीं दिख रही फिर एम से ही निकाल लो क्या है ना एक्स की वैल्यू डालोगे तो बेटा वाई निकलेगा फिर अप करोगे वाई की वैल्यू से मतलब नहीं है ना उनको डबल मेहनत होगी उसमें है ना ठीक है पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन टू टू थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन थ्री वी गेट सो इक्वेशन थ्री पे आओ अगेन x लिखा हुआ था सबसे पहले तो माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय अभी यहाँ से y की वैल्यू बताओ तो माइनस टू वाई को उधर ले आओ तो प्लस टू वाई सिक्स को उधर ले जाओ तो थ्री एक्स माइनस सिक्स और फिर टू डिवाइड हो जाएगा ना थ्री एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई सही है इक्वल टू आर एच एस के माइनस ये वाई की वैल्यू आएगी यहाँ से चलो सॉल्व करते हैं सो टू एल आ जाएगा या फिर टू से मल्टीप्लाई कर दो तो सारी इक्वेशन को टू एक्स माइनस थ्री थ्री जा नाइन एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स प्लस एटीन और टू इंटू माइनस फाइव माइनस टेन सो टू एक्स माइनस नाइन एक्स सिक्स माइनस सेवन एक्स एटीन उधर जाएगा तो माइनस का ट्वेंटी एट तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से फोर यानि कि ये फोर कॉमा फोर कॉमा वाई टू और नीचे वाला जो है क्यू वो आ जाएगा फोर जी कोमा ठीक है अब एरिया कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले बीसी के नीचे का एरिया पूरा ट्रिपेजियम ये फिर फिर ए के नीचे का एरिया माइनस एक तो ट्राइंगुलर रीजन ये खाली पोर्शन ए के नीचे का एरिया और ये खाली रीजन ए के नीचे का एरिया डन समझ आया ये तो दीवार मानोगे आप तो कर तो यही होगा ना इसको आगे पीछे अगर एक्सटेंड करें तो ठीक है ए बी के नीचे कहिए है ना आप कभी भी सीधी कर नहीं मानोगे सीधी तो दीवार होंगे ऑर्डिनेट्स होंगे तो ये तो सीधा है तो ये तो ऑर्डिनेट का का काम कर रहा है लिमिट बता रहा है वन से लेके टू तो करो कौन सा छत का काम कौन करा भले ऐसी छत बनी पर छत तो यही बनी ना नीचे ये छत है नहीं ये दीवार है तो फिर यही छत ओके ठीक है okay? चलो तो शुरू हो जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया दैट इज एरिया वही पहले की तरह ट्राइंगल है वैसे तो बट ए बी सी ए के नजरिए से देखेंगे ना तो ए बी सी ए इक्वल टू चलो दो तो सबसे पहले टोटल एरिया बीसी के नीचे का ले लो है ना तो बीसी के नीचे का टोटल एरिया कैसे बोलोगे पी ए क्यू सी बी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें ना पी ए क्यू सी बी पी पीए क्यू सी बी पी एरिया पी ए क्यू सी बी पी माइनस अब ये छोटा सा ट्राइंगुलर रीजन ये वाला इसको क्या बोलोगे पी ए बी पी अगेन माइनस अगेन माइनस देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि दो जुड़ेंगे एक घटेगा या दो घटेंगे वो फिगर के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा इसलिए फिगर बनाना मस्त है ठीक है ना टेंथ क्लास तक क्या होता था कई तो बार मैंने आपको बोला है कि फिगर बनाते बनाते आप फिर अगले क्वेश्चन में फिगर ना भी बनाए तो चल जाएगा क्योंकि हिंट मिल जाएगा फिगर्स क्या हेल्प कर रहा है वो पता चल जाएगा फिगर ना भी बनाए लेकिन इधर तो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है कोई भी हिंट नहीं मिलेगा फिगर बनाने के बाद ही सिचुएशन क्रिएट समझ आएगी कि क्या जोड़े क्या घटे तो ए क्यू सी बी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में शायद दो जुड़ रहे थे और एक कम हो रहा था यहाँ पे देखो दो कम दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ए क्यू सी ए लिखू इसको ए क्यू सी ए आइए तो आ जाइए पहला वाला जो पोर्शन है इसको क्या लिख सकते हो आप लिमिट तो वन से लेके फोर और लाइन है बी और बी लाइन है एन एन की इक्वेशन एन की इक्वेशन निकाली नहीं अभी तक हमने वाह अभी तक तो अपने वाई की वैल्यू नहीं निकाली कहीं से भी चलो सो लेट्स फाइंड आउट तो यहाँ से क्या निकलेगी वाई की वैल्यू यहाँ से वाई की वैल्यू जो एन से निकलेगी उसको एफ ले लो है ना यहाँ निकालते हैं ना तो लाइन एन से मैं वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ उसको मैं ले लूंगा सबसे पहले वही चीज काम में आ रही है वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बताओ की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस थ्री बाई को उधर ले जाओ एक्स प्लस फाइव बाई थ्री या फिर वन बाय थ्री इन एक्स प्लस डन चलो उसके बाद अब यहीं से अंदाजा लगा लो फिर ए बी ए बी यानी लाइन एल लाइन एल ले लो पहले <coughs> तो देखा जाए ना तो ये वाला पोर्शन हमारा सारा वेस्ट किया इससे अच्छा तो ये होता है कि हम टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में ना कन्वर्ट करके इक्वल टू एम एक्स प्लस में करते सिचुएशन तो लाइन की वहां से पता चल जाती उल्टा फंक्शन भी उसी टाइम में निकल जाता फंक्शन अलग से निकालना पड़ रहा है ना वाईक्वल टू तो सम की फॉर्म तो कई बार कोई चीज काम आती है कई बार कोई चीज काम नहीं भी आती है ना आ जाओ वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स और एल फोर माइनस टू एक्स आ जाएगा वो तो, और लाइन एम लाइन एम की क्वेश्चन वाई इक्वल टू एच ऑफ एक्स ये निकाला था मैंने यहाँ पे ये वन बाय टू लाइन एम कह रहे हो ना हाँ तो टू एन एस के नीचे तो वन बाय टू इंटू थ्री एक्स माइनस सिक्स सही है और थ्री एक्स माइनस सिक्स में से भी थ्री कॉमन ले सकते हो ले सकते हो ना तो थ्री बाय टू थ्री बाय टू और एक्स माइनस टू डन चलो तो सबसे पहले एफ एक्स डीएक्स अब तो अपने सीक्वेंस में अरेंज कर ही दिया है, तो बस अब शुरू हो जाओ लिमिट देख लो बस वहां से वन से लेके फोर एफ एक्स डी एक्स वन से लेके फोर एफ एक्स डी एक्स माइनस इसकी लिमिट वन से लेके फोर थी इसकी वन से लेके टू जी ओ फस एक्स अपनी सिक्वेंस में लिया आप तो आग बंद करके जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस अगले फिर टू से फोर होगी होगी क्योंकि फोर से बाहर जाएगी नहीं टू से लेके फोर और एच ऑफ़ एक्स डी एक्स डन चलो जी तो वन से लेके फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स करते हैं पहले तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वन बाई थ्री एक्स प्लस फाइव तो वन बाय थ्री बाहर ले लो इंटीग्रेशन वन टू फोर और क्या था एक्स प्लस पक्का डीएक्स माइनस जी ऑफ़ एक्स में वन से लेके टू जी ऑफ़ एक्स की वैल्यू क्या थी फोर सिंपली फोर माइनस टू कुछ बाहर नहीं है इसमें एनटू डीएक्स इसमें थ्री बाय टू बाहर था शायद और एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स माइनस टू माइनस टूटू डी एक्स चलो जी इंटीग्रेशन पोर्शन स्टार्ट करते हैं वन वन बाय बाय थ्री एक्स एक्स स्क्वायर टू प्लस फाइव लिमिट वही से फोर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स का क्या बनेगा टू एक्स स्क्वायर बाय टू तो सिंपली एक्स स्क्वायर बन जाएगा वन से लेके टू माइनस थ्री बाय टू बाहर और एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू एक्स और टू से लेके फोर पुट द वैल्यूज वन बाय थ्री फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाय टू एट फोर फाइव जा ट्वेंटी वन का स्क्वायर वन बाय टू माइनस फाइव माइनस फोर टू जा एट माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर प्लस वन ठीक है माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर सिक्सटीन बाय टू एट माइनस फोर जा एट माइनस टू का स्क्वायर जा इधर आ जाओ एट प्लस ट्वेंटी थ्री में से आधा और गया ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव का मतलब फोर्टी फाइव बाई टू है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव होता है ठीक है माइनस

सेवन बाय टू लिख दो या तो थ्री पॉइंट फाइव स्कूट्स देखो आंसर मैं इसको ठीक है समझ आया तो दोनों ट्राइंगुलर इक्वेशंस हो गए हमारे एक में तो इक्वेशंस दे रखी है वहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना है एक में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दे रखे हैं वहां से इक्वेशन बनानी है काम दोनों ही आएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको लिमिट बताने के काम आएंगे इक्वेशंस आपको करो जिसको इंटीग्रेट करना है वो बताने में काम आएंगे ओके ठीक है लास्ट क्वेश्चन मतलब uh, को छोड़ दें तो इसके अलावा लास्ट अज्यूमिंग के इजी होते होंगे ये ये अज्यूम करें तो लास्ट ही बनता है आ जाओ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बोलो आज ही करना है ओके फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन वाई इज लेस देन इक्वल टू फोर एक्स वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू पहली बार की तरह इसको कर भी मान लेना वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्सर बोला बनाना और फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर डी लेस देन इक्वल टू है लेकिन इक्वल टू मान के इसको सर्किल सर्किल की इक्वेशन नहीं ठीक है चलो जी तो टू डी प्लेन बना दो तो वाइस पैर इक्वल टू तो फोर एक्स कैसा पैराबोला बनेगा राइट वॉट फेसिंग तो इसको थोड़ा सा जरूर तो एक काम करते हैं पहले सर्किल बना देते हैं है ना सर्किल ओरिजिन से पास थ्रू होगा क्योंकि एक्स और वाई के लीनियर टर्म्स नहीं है मतलब सर्किल ओरिजिन से क्या पास होगा सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे लाया करेगा ऐसे कहेंगे है ना समथिंग लाइक दिस ठीक है और फिर पैराबोला ऐसे बनेगा है ना पैराबोला भी ओरिजिन से गुजरता हुआ जाएगा और राइट वर्ड फैसला अभी सिंपली कह देता ना कि पैराबोला और सर्कल के बीच का एरिया निकाल दो तो भी निकाल देते लेकिन जबरदस्ती मैंने क्या कहा इनक्वालिटी इस वाले चैप्टर में तो इनक्वालिटी दे या ना दे कोई मतलब ही नहीं है केवल और केवल डराने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए देगा अब अगर इनक्वालिटी की बात करें तो सर्किल की बात करते हैं चलो तो फोर स्क्वायर क्या लिखा हुआ है बताओ सिंपली सी बात करें फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन लिखता फोर को उधर भेजो स्क्वायर चलो एक बार की बात करते हैं तो सर्किल के अंदर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा सर्किल तो जीरो फुटअप करके देखो तो जीरो को मीरो प्लस जीरोनास देन तो जीरो प्लस ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया तो ओरिजिन वाला पोर्शन पूरा सेटिस्फाई करेगा यानी सर्किल के अंदर का एरिया तो सिंपली कहते हैं तो सर्किल का एरिया सर्किल के अंदर का एरिया ही तो होता है अगर मैं का सर्कल का एरिया निकालो तो बहार का थोड़ा निकालोगे हाँ लीनियर इन इक्वालिटी चैप्टर में फर्क पड़ता था क्योंकि वहां पे अपन ऐसा नहीं कहता था सर्कल का एरिया वहां पे कर्व से बना हुआ एरिया कहता था और उसमें कर्व से बना हुआ एरिया लेफ्ट और राइट दोनों हो सकते थे है ना सोल्यूशन पूरा मिलता था ठीक है सर्कल का एरिया है ये तो सिंपल सी बात करें अब पैरा वोला क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर एक्स अब पैरा वोला को जीरो जीरो पे चेक नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिन से खुद भी पास हो रहा है ठीक है तो कुछ भी और पॉइंट ले लो जैसे ये वाला पॉइंट लेगा मुझे बताओ इस पॉइंट के कॉर्डिनेट्स क्या मी, आ, 3, होंगे थ्री कोमा जीरो क्यों होंगे फोर उधर जाएगा ना तो नाइन बाय फोर और नाइन बाय फोर का रूट क्या होता है थ्री बाय टू थ्री बाय टू कोमा जीरो होंगे थ्री बाय टू कॉमा जीरो तो यही पुटअप करके देख लो ये इस, ये अगर सेटिस्फाई करेगा तो इधर का एरिया नहीं करेगा तो इस ब्लू लाइन के ब्लू कर के उधर का एरिया जो कि पॉसिबल नहीं अगर ब्लू का उधर का कर्व का एरिया निकालें तो ये एरिया निकलता है ये वो वो निकालना डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि वो कर्व के अंदर नहीं आएगा फिर सर्किल के एरिया में से माइनस करके निकालना पड़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबली इधर का ही आएगा फिर भी देख लेते हैं सो so, वाई की जगह तो जीरो और फोर इंटू थ्री बाय टू सिक्स तो जीरो सिक्स से छोटा ही होता है होता है ना तो थ्री बाय टू का जीरो ने सेटिस्फाई किया देखने से इधर का तो ब्लू का इधर सर्किल के अंदर ब्लू के तो इधर चाहिए राइट साइड सर्किल के अंदर चाहिए सो so, यही एरिया आएगा और अगर वो सीधी भाषा में कह देता कि सर्किल और पैराबोला से बाउंडेड एरिया तो भी यही होता सर्किल के बाहर यहां ये यह वाला एरिया पूरा एरिया सर्किल के बाहर का एरिया होता अगर ये और जीरो को जीरो आप ये देखो ये कर्व जो है इस टू प्लेन को कौन से दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है सर्किल के अंदर सर्किल के बाहर ये दो पोर्शन बनेंगे अब अंदर वाला आंसर या बाहर वाला आंसर एक पॉइंट करके सेट अप, आ, करके सेटअप देख लिया अंदर वाले ने सेटिस्फाई किया तो तो पूरा अंदर का एरिया एरिया बाहर वाला सेटिस्फाई करता तो इसके अलावा जो बच गया खाली टूटिप प्लेन पे सारा एरिया ओके और पैराबोला जो है वो किस टाइप के एरिया में डिवाइड कर रहा है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड हर एक कर्व राइट लेफ्ट में डिवाइड नहीं करता हर एक कर्व अपवर्ड डाउनवर्ड में डिवाइड नहीं करता कुछ कर्व्स राइट जैसे पैराबोला है ये प्लेन को दो पोर्सन में डिवाइड कर रहा है राइट लेफ्ट मान लो अपवर्ड फेसिंग पैरा बोला होता है तो कैसे डिवाइड करता था डाउन अप सर्किल कैसे डिवाइड करेगा इन साइड आउट साइड सर्किल कैसे डिवाइड करेगा इन साइड आउटसाइड समझ गए ना तो दो पोर्शन जरूर बनेंगे वो दो पोर्शन आइडेंटिफाई करना ठीक है तो ये सारा कैलकुलेशन तो हमारा माइंड कैलकुलेशन रहेगा हम तो सीधा एरिया बाउंड करते हैं और आंसर निकालते हैं और सिमेट्रिक के ऊपर नीचे तो ऊपर का निकाल के डबल कर दूं अच्छा ऊपर का एरिया भी फिर दो पार्ट्स में टूट के निकलेगा क्योंकि पूरी एक छत नहीं आ रही है एक बार ब्लू छत आ रही है और एक बार रेड छत आ रही है तो इंटरसेक्शन करवा के और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अप करना पड़ेगा ठीक है तो ये ए लिया तो उसको बी ले लो फिर ये बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे आपको समथिंग कॉमा वाई के फिर ये पी आ जाएगा पी के भी चाहिए होंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी के चाहिए होंगे ओरिजिन ओ होता ही है जीरो कॉमा तो बेसिकली आप पहले ये वाला एरिया निकाल रहे हैं डबल कर रहे हैं ओके चलो तो ये सब तो हटा देता हूं एड तो, होंगे दोनों आना तो पहले ब्लू आ रहा है तो पैराबोला पहले ले लो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो इन में गिवन है लेकिन इन इक्वालिटी का तो जो रोल था वो तो केवल एरिया शेड करने के लिए था खत्म हो चुका है ना वो तो रोल तो अब मैं इक्वालिटी फॉर्म में लिखूंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स जब आप एग्जाम में करोगे तो आप दोनों बातें लिखनी पड़ेगी पहले इन इक्वालिटी में इक्वेशन लिखनी पड़ेगी फिर नीचे लिखना पड़ेगा देअर फोर द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन इन इक्वालिटीज आर नाम देना पड़ेगा फिर वो इनक्वालिटी शेडिंग पोर्शन सब खत्म हो गया अब फिर सबको इक्वालिटी में लिखना पड़ेगा इक्वालिटी में लिखना है इसलिए क्योंकि एरिया निकालना है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स और यहाँ से वाई की वैल्यू चाहिए होगी चाहिए होगी ना तो इसको भी इक्वेशन मानो और यहां से वाई की वैल्यू नहीं वाई की वैल्यू निकाल लो उसको इक्वेशन मान लो क्योंकि वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे तभी तो एक्स तो क्या आएगी सो क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू टू रूट एक्स इसको एक इक्वेशन में मान लो और लगा के फंक्शन भी मान लो और वी कैन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू रूट एक्स चलो इक्वेशन ऑफ सर्किल बताओ पहले तो जो गिवन है वो बताओ इनइक्वालिटी फॉर्म में नहीं इक्वालिटी फॉर्म में जो गिवन है वो बताओ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो फोर उधर भेज दूस स्क् थ्री बाय टू का स्क्वायर यानी कि एक ऐसा सर्कल बन रहा है जिसका इसको और, और फर्दर सॉल्व करें तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाय टू का स्क्वायर और इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू का स्क्वायर तो यहां से सेंटर तो आ जाएगा जीरो सेंटर आ जाएगा एच कॉमा के और एच कॉमा के की वैल्यू क्या आ रही है जीरो जीरो और रेडियस आ जाएगा सर्किल का आर यानी कि थ्री बाई टू यूनिट्स डन वैसा ही बनाया था हमने तो ये सब कैलकुलेशन पार्ट है चलो हम हाँ कहीं भटक गए हमको वाई की वैल्यू चाहिए थी तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से आ जाओ वापस इस वाली स्टेप से आ जाओ वापस तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर की निकाल लो पहले नाइन बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से वाई की निकालेंगे तो अंडर रूट इसका करूंगा नाइन बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर सो इट इस अंडर रूट टू ठीक है रूट फोर कॉमन ले लो ना अंडर रूट और नाइन माइनस फोर एक्सर ठीक है और इसी को ले सकता हूँ मैं इसको इक्वेशन भी लूंगा इसको एज ए इक्वेशन भी लूंगा और इसी को मैं क्या ले सकता हूँ और वी कैन से जियो फैक्स इक्वल टू वन बाय टू रूट नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर चलो क्लैश करवाओ वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ पुटअप करूँ यहाँ से यहाँ पुटअप कर देते हैं इस वाले पोर्शन में कर देता हूँ है ना ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले सो लेट्स से ये इक्वेशन वन एंड दिस वुड बी इक्वेशन नंबर टू सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन वन टू इक्वेशन टू तो इक्वेशन टू में हमको क्या मिलेगा इक्वेशन टू हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी बोलो वाई की वैल्यू पुटअप करो Y की जगह टू रूट एक्स इक्वल टू उधर क्या हाफ अंडर रूट नाइन माइनस फोर एक्सर उसको इन टू नाइन माइनस फोर एक्स स्क्त एक्स इक्वल टू नाइन माइनस फोर एक्स इक्वेशन बनेगी तो इट इज लाइक फोर एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस सिक्सटीन एक्स है माइनस नाइन इक्वल टू जीरो सोचो थोड़ी सी, सी बनी बार. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व कर देते हैं काम कर रहे हैं ना एक्स इक्वल टू बोलो माइनस बी यानी माइनस सोलह प्लस और माइनस बी का स्क्वायर सोलह का स्क्वायर इज तीन सौ चौबीस माइनस फोर ए सी और एक माइनस फोर है तो प्लस फोर ए सी हो जाएगा तो फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन नाइन जा वन फोर्टी फोर यस टेबल से याद नहीं है डिवाइडेड बाय टू ए यानी कि टू फोर जै एट कभी याद करी नहीं टेंथ से बोल बोल के ट्वेल्थ में आ गए और ट्वेल्थ ही पास आउट होके कॉलेज भी बहुत जाओगे लेकिन वो टेबल्स याद नहीं होगी एंड जब फिर फाइनली कॉलेज भी पास आउट करके एंट्रेंस की बारी आएगी नौकरी लेने की बारी आएगी जब पैसे की बात आएगी ना उस टाइम जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे और वो जो लाइटनिंग फास्ट इंटरव्यूज होंगे जिसमें ऐसी कैलकुलेशन इंटरव्यू में पूछी जाती है फटाफट जोड़ के बताओ फटाउट फिर याद आएगी कमल सर की सर ने कहा था टेबल याद कर लो उस बात को अच्छा आठ साल हो चुके हैं काश उस टाइम याद कर लो फिर याद करोगे एक बार तो करनी है लाइफ में बेटा ये मैंने भी करी है ना अगर अगर आप ये सोचो कि अगर अवॉइडेबल होता अगर अवॉइड करने से काम बन जाता तो मैं क्या बेवकूफ मैं नहीं कर चुका होता अवॉइड

एट फोर सिक्स एट का रूट कुछ गलती हो रही है ऐसा लग रहा है फोर सिक्स एट तो ही नहीं फोर फोर्टी वन होता है या फिर ट्वेंटी ये एट तो नहीं है कहीं एट भी नहीं है तो क्या गलती कर दी अपने को क्या चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए ना वाई स्क्वायर की वैल्यू फोर एक्स है तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस नाइन टू तो बनेगी तो यही माइनस बी प्लस और माइनस अट्ठारह का स्क्वायर कर कर रहा हूँ मैं तो याद मुझे भी है लेकिन सोलह को अठारह पढ़ रहा हूँ सोलह का स्क्वायर दो सौ छप्पन अठारह का होता है तो है ना हो गया ना परफेक्ट अब परफेक्ट मतलब चार सौ बन जाएगा दो सौ छप्पन दो छप्पन और एक सौ चवालीस चार सौ हो जाएगा ना अभी ठीक है ना फोर हंड्रेड का रूट क्या होता है ट्वेंटी डिवाइडेड बाय चलिए थर्टी सिक्स बाईट माइनस टेन बाई टू और एक बार प्लस करेंगे so, 20 16 तो बीस में सोलह गई तो चार फोर बाई एट यानी वन बाई टू अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो अब ऐसा लग रहा होगा कि सर दो बार इंटरसेक्शन हो रहा है ना एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो एक बार ऊपर माइनस नाइन बाय ले लो और नीचे ऐसा पॉसिबल है क्या ऐसा पॉसिबल है कि, कि एक्स की वैल्यू में ऊपर तो वन बाई टू ले लू वन बाय टू कॉमा वाई वन ले लू ऊपर तो क्या ले लू वन बाय टू कॉमा वाई वन और नीचे जो है इस जगह पे मैं लेट्स इसको सी ले लेते हैं एक बार के लिए, लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इसको और इसके कोऑर्डिनेट्स में ये क्या ले सेम ही होगा ना ये तो, तो, तो यानी कि ये माइनस नाइन बाय टू कहीं और है और बताऊ कहा है कहीं नहीं है रिजेक्टेड है क्योंकि माइनस नाइन बाय टू एक्स की वैल्यू ना तो इस सर्किल को सेटिस्फाई करेगी ना ही इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगी अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस नाइन बाय टू सर्किल की इक्वेशन में लगाओगे तो भी वाई की वैल्यू उसमें आ जाएगी अब क्या कहते हैं आयोटा में और अगर आप इस पैराबोला में लगाओगे तो भी आ जाएगी आप सिंपल सी बात है पैराबोला से वेरीफाई करो तो पैराबोला देखो क्या कहता है वाई की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव ये फोर उधर जाएगा डिवाइड बाई फोर तो वाई कुछ भी हो एनी हो स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आएगा एंड पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा तो एक्स के लिए पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव हो ही नहीं सकती तो एक्चुअली ये भी वन बाय टू ही है ये भी वन बाय टू ही है ए की वैल्यू एक्सेप्टेबल है वही चलेगी ऊपर और नीचे ये वैल्यू तो हो जाएगी रिजेक्ट ठीक है दिस वैल्यू वुड बी रिजेक्टेड तो जल्दी बाजी कर देने पहली बार पूरे आ, मैं ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें से दो वैल्यू आ रही है दो ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दो ही वैल्यू आ रही है लेकिन हम दोनों को रख नहीं पा रहे हैं हाँ अगर ये वाई की वैल्यू होती तो हम ऊपर और नीचे अलग अलग रख पाते क्योंकि y y ये है और हालांकि इस केस में तो वो भी नहीं रख पाते क्योंकि मुझे पता है जितना ऊपर उतना ही नीचे, नीचे। माइनस तो लेकिन एक्स की तो पॉसिबल एक्स की तो बराबर वैल्यू आएगी दोनों जगह ओके चलो इन शॉर्ट पी की वैल्यू आ गई आपको हाफ वमा जीरो था सारा तमजाम हमको तो पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे इसलिए था ये सारा तान चलो तो अब क्या करूंगा जीरो से लेकर हाफ तक, तक तो ब्लू को और हाफ से लेके थ्री बाय टू रेड को और एड कर दूंगा रिक्वायर्ड एरिया और फिर उसका डबल भी करना है उसका डबल भी करना है so, एरिया टू. तो, नीचे किसी पोर्सन को मार्क किया है कि अपने हाँ वैसे तो किया है सी मार्क किया है ना हाँ तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया बताओ आ जाओ ओ बी ए सी या ओ ए ए पे पहले नहीं जा सकते है ना सी पे पहले चल जाओ ओ सी ए बी ओ ओ सी ए बी ओ ओ सी ए बी ओ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ऑफ एरिया ऊपर वाले पोर्शन का नाम ओ पूरा लो पहले ओ अच्छा पी भी ले रहे हो बीच में ठीक है ओ पी ए बी ओ ओ पी ए बी ओ ओ पी ए बी ओ और फिर टू को बाहर लेके इसको जोड़ना पड़ेगा तो कौन कौन सा पोर्शन जुड़ेगा ओ पी बी दोनों में से कोई भी ट्राइंगल नहीं है ना ये वाला नहीं वाला क्योंकि छत जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है कर्व है ओ पी बी ओ एरिया ओ पी बी ओ प्लस इधर आ जाओ पी ए बी पी पी ए बी पी पी ए बी पी पी ए बी पी डन सो आ जाओ इंटीग्रेशन ये तो जीरो से हाफ हो रहा था और ब्लू वाले को एफ ले लिया था अपन ने और ये हाफ से लेके थ्री बाय टू हो रहा था और इसको जी ऑफ एक्स जीओक्स ले लिया था वाइट ठीक है जाओ तो एफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या था पैराबोला से है ना टू रूट एक्स तो इंटीग्रेशन जीरो से लेके हाफ टू को बाहर निकाल दो रूट एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे हाफ से लेके थ्री बाय टू और जी ओफ एक्स की वैल्यू क्या थी वन बाय टू बाहर रूट नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर वन बाय टू बाहर रूट नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स तो अब की बार कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है सो so, टू आ जाइए तो टू से टू मल्टीप्लाई कर दो उसको टू टू या फोर कर दो उसको और उसको टू से टू काट दो है ना तो इस वाले इस वाले इंटीग्रल के लिए तो टू टू या फोर हो गया और इंटीग्रल करना है रूट एक्स का रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा टू बाय थ्री एक्स की पावर थ्री बाय टू एक्स की पावर थ्री बाय डी एक्स क्यों लगा रहे हो जीरो से लेके हाफ आना प्लस ये टू से हाफ कट गया खत्म हो गया और इसका इंटीग्रेशन करना है बस तो करो x बाय टू तो x की जगह तो टू एक्स है इसको क्या लिख सकते हो आप थ्री का स्क्वायर एक्चुअली इसमें से फोर कॉमन लें तो ज्यादा बढ़िया है नहीं तो कंफ्यूजन सा होगा ठीक है इसमें से एक काम करते हैं फोर कॉमन ले लेते हैं तो फोर कॉमन लेके फोर कॉमन लूंगा तो एक्चुअली टू ही कॉमन आएगा कौन सी वाली है बताओ ये हाँ तो यही वाली लो वाईक्वल टू रूट ऑफ नाइन बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर लो ठीक है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे हाफ भी मत लो यहाँ पे और सीधे इधर क्या ले लो नाइन बाय फोर रूट ऑफ नाइन बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर नाइन बाय फोर को भी क्या लिख सकते हैं थ्री बाय टू का होल स्क्वायर ज़्यादा आसान है, ठीक है क्योंकि अगर वो लेते हैं तो फिर फोर एक्सर है लिखना पड़ेगा फिर square का 2, तो पूरी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा वो हम पहली बार तो करने में जोर आएगा और ऊपर करना अगर गलती से भूल गए तो क्या कबाड़ा तो एक्स स्क्वायर का तो वन ही रखा करो ठीक है ना ठीक है तो अब तो फिर इधर टू भी मल्टीप्लाई होगा तो टू भी मल्टीप्लाई होगा और अब करो इंटीग्रेशन एक्स ब्रैकेट लगाओ एक्स बाय टू ये पूरा ताम जाम। फोर प्लस तो तो है ना, बाए फोर। बाए तो ए स्क्वाइन बाई एट तो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई थ्री बाय टू या हाफ से थ्री बाय टू चलो जी तो फोर टू जा एट बाय थ्री तो ये हो गया और अंदर तो क्या बनेगा बस एक्स की पावर हाफ रखो आप जीरो से तो कुछ बनेगा नहीं तो हाफ की पावर थ्री बाय टू क्या होती है हाफ की पावर थ्री बाय टू तो वन की पावर थ्री बाय टू वन और टू की पावर थ्री बाय टू यानी टू क्यूब टू क्यूब एट एट का टू रूट टू तो वन बाय टू रूट टू हो जाएगा है ना वन बाय टू रूट टू माइनस जीरो इसका काम खत्म आ जाओ इधर आओ टू से मल्टीप्लाई करो तो टू से टू कट गया एक्स बच्चा ओनली इस टू से टू काट देता हूँ मैं ये टू से ये टू गया और ये टू से ये फोर टाइम्स हो गया है ना चलो जी अब एक्स की जगह डालो थ्री बाय टू तो ये तो जीरो बनेगा है ना जीरो प्लस ये अंदर जीरो हो गया ना तो ये बाहर वाले से मतलब ही नहीं है ना इधर आओ इधर थ्री बाय टू डालो तो टू बाय थ्री से थ्री बाय टू वन हो गया तो नाइन बाय फोर साइन इन वन यानी कि बाय बाय टू ठीक है माइनस अब क्या था हाफ हाफ डालेंगे तो कुछ बनेगा ना एक्स की जगह हाफ और नाइन बाय फोर माइनस हाफ का स्क्वायर यानी वन बाय फोर नाइन बाय फोर माइनस वन बाय फोर एट बाय फोर एट बाय फोर यानी टू यानी रूट टू ठीक है ये केवल हमने कहाँ डाला? डाला है इधर डाला है माइनस अब इधर भी डालो तो इधर जब मैं हाफ डालूंगा तो वन बाय थ्री हो जाएगा नाइन बाय फोर साइन इनवर्स वन बाय थ्री साइन की वैल्यू वन बाय थ्री तो परफेक्ट वैल्यू है ही नहीं तो इसी फॉर्म में इसको छोड़ना भी पड़ेगा चलो एनीस आगे बढ़ते हैं so, तो फिर रूट टू से ये रू, रूट टू से ये इंटू टू है तो टू इंटू टू में से एक रूट टू गया तो टू रूट टू तो क्या बचा टू रूट टू बाई थ्री बचा इन शॉर्ट है ना टू रूट टू गया प्लस आगे बढ़ो so it is like four pi by nine pi by eight minus ये root two अच्छा नीचे नीचे two है तो नीचे one by root two है ना one by root two तो फिर solve होंगे अभी ये आपस में देखते हैं देन माइनस इसको तो छेड़ना ही नहीं है नाइन बाय फोर साइन ठीक है अब केवल और केवल इन दोनों को सॉल्व करो तो रूट टू और थ्री का एलसीएम अगेन थ्री रूट टू तो रूट टू से इसको मल्टीप्लाई करो तो टू रूट टू इंटू तो रूट टू अगेन फोर माइनस थ्री वन जय थ्री प्लस नाइन पाई बाय माइनस नाइन बाय फोर साइन वर्स वन बाय थ्री फोर माइनस बाय थ्री रूट टू प्लस नाइन पाई बाय एट माइनस नाइन बाय फोर Sin inverse, टर्म्स इधर उधर हो इधर हो ये इधर वो उधर हो बाकी हर टर्म मिलेगी जरूर आपको ठीक है समझ आया तो कैलकुलेटिव था इतने सारे क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आया जो आ, फिगर वाइज इजी था फिगर वाइज बनाने में दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन वाइज थोड़ा मुश्किल लगा है ना और बाकी में क्या था फिगर बनाना मुश्किल हो रहा था और कैलकुलेशन ईजी हो रही थी चले एमसी की उस पर फटाफट से हो जाएंगे फटाफट शायद मुझे ऐसा लग रहा है देखते नहीं तो कितने और. एरिया बाउंडेड बाय कर तो एक्सिस तो थोड़ा सा आज अनुष्का के नहीं होने का और क्लास इलेवेंथ के नहीं होने का हम भरपूर फायदा उठाएंगे हाँ हाँ obviously. तो y इक्वल टू एक्स ये वाला मत चलाओ वाला वाला चला लो सफोकेशन ही हो रहा है ना बस तो उससे सही हो जाएगा ऑन टू पे कर दो ठीक है तो y इक्वल टू एक्स क्यूब तो y इक्वल टू एक्स क्यूब वुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस याद होना चाहिए ठीक है ना जो टेन इन टेन एक्स का ग्राफ होता है वैसा ना वैसा तो नहीं कह सकते हैं वो सोचनी पड़ेगी पर, पर क्या आएगी उससे क्या ही लेना देना आपको तो वैसे भी एक्स एक्सिस पे ही दीवारें बनानी है ना तो अब की बार मॉडुलस का रोल होगा तो लेट्स ये ले लो एक्स इक्वल टू माइनस टू

इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे माइनस टू कोमा वाई वन टाइप के वाई वन से मुझे कोई लेना देना नहीं इसके क्या होंगे टाइप के और अगेन मुझे Y2 से कोई लेना देना नहीं सो so, दो पोर्शन में इसका एरिया निकलेगा एक पोर्शन में इसका एरिया एक बार में नहीं निकल सकता है ना और क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आ गया सो क्या होगा पता है अब कोई कहेगी सर वाई एक्सिस को बेस ले लो तो भी फंसोगे क्योंकि वाई एक्सिस के भी दोनों साइड एरिया आ रहा है राइट right साइड भी या तो पूरा एरिया इधर आता चाहे एक्सिस के नीचे आता लेकिन एरिया इधर आता तो फिर एक्सिस को बेच लेते तो मॉडुलस से बच जाते तो मॉडुलस से तो बच वैसे भी नहीं रहे फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में तो मॉडुलस से बच सकते ही नहीं है चाहे आप कोई सा बेच लो जब बच ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हम डिफिकल्ट क्यों करें फिर हम एक्सिस को ही बेच ले लें चलो जी आइए सो रिक्वायर्ड एरिया नाम बोलो रिक्वायर्ड एरिया का एरिया रिक्वायर्ड एरिया को नाम नहीं बन सकता है ना एक कॉमन एरिया नहीं तो ए ले लो ए एरिया इधर वाला बोलो ए पी ओ ए ए पी ओ ए प्लस उधर वाला बोलो बी क्यू ओ बी डी क्यू ओ बी क्यू ओ बी हाँ रख दो ले लेंगे ठीक है सो आ जाओ ये हो जाएगा माइनस uh, टू से जीरो माइनस टू से जीरो और फंक्शन तो एक ही एक्स क्यूब ये इधर भी उल्टी छत है यहाँ पे एक्चुअली मॉडुलस वाले केस में क्या हो जाएगा उल्टी छत हो जाएगी तो फंक्शन तो लेकिन वही रहेगा ना एक्स क्यूब डीएक्स और प्लस यहाँ पे जीरो से लेकर वन है ना और वही एक्स क्यूब डीएक्स अब इस वाले को मॉडुलस लगाना पड़ेगा इसका आंसर हंड्रेड परसेंट नेगेटिव आना होगा क्योंकि के नीचे है और अब आप लिमिट मर्ज भी नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं कर सकते सर माइनस टू से जीरो है जीरो से लेकर वन है क्योंकि वो मॉडुलस अगर दोनों मॉडुलस में होते मतलब कॉमन मॉडुलस होता यहां से लेकर यहाँ तक तब तो मर्ज कर सकते थे लेकिन कॉमन मॉडुलस नहीं है ना अच्छा अगर अलग अलग मॉडुलस होता तो कर सकते थे क्या तो भी नहीं कर सकते थे अगर अलग अलग मॉडुलस होता ना तो भी नहीं करते क्योंकि इसका आंसर जो आएगा उसमें पहले उसको पहले प्लस करना है इसका आंसर जो आएगा उसको पहले प्लस करना है फिर जोड़ना है ना अगर आपने लिमिट मर्ज कर दी तो इसका मतलब आपने तो पहले जोड़ दिया फिर फाइनली मॉडुलस लगा दी पर वो चीज तो गलत हो जाएगी ना एक ही जगह बस लिमिट मर्ज कर सकते थे जब ये पूरे पे मॉडुलस होता है पूरे पे मॉडुलस कभी आएगा ही नहीं है ना तो आप ना तो लिमिट मर्ज कर सकते हो ना आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा क्यूब का फटाफट से आप मुझे इंटीग्रल बता दो एक्स टू दावर फोर, फोर इसकी लिमिट इसकी माइनस टू से जीरो और फिर अगेन एक्स टू द पावर फोर बाय फोर इसकी लिमिट जीरो टू वन और इस पार्ट पे लगेगा मॉडुलस उस पे नहीं लगेगा चलो जीरो अप करोगे तो जीरो बाय फोर जीरो माइनस और फिर माइनस टू पुटअप करोगे तो माइनस टू की पावर फोर 16, 16 बाय फोर फोर सिक्सटी बाय फोर फोर ठीक है ना देखो ये जो लिमिट आई ये जो वैल्यू आई नेगेटिव आई है ना कहा था मैंने नेगेटिव मॉडुलस कायम रखो भी प्लस इधर आओ वन बाय फोर माइनस जीरो तो ये देखो ये पॉजिटिव आई है तो इधर तो ब्रैकेट लगाओ इधर मॉडुलस लगाओ माइनस फोर का मॉडुलस फोर प्लस वन बाय फोर एंड फोर सिक्सटीन सेवनटीन बायर स्क्वायर यूनिट्स ऑप्शन डी है मैच हुआ ऑप्शन डी यानी कि ये वाला चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एरिया बाउंडेड बाय द कर वाई इक्वल टू एक्स इनटू मॉडुलस एक्स अब एक्स इनटू मॉडुलस एक्स कैसा क्राफ्ट बनेगा सोचना है एक बार एक्स की नहीं एक बार एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में खोलेंगे तो एक्स इंटू एक्स नेगेटिव में दो तरह के पैराबोला दो तरीके के पैराबोला का इंटरसेक्शन होगा फिर एक्स एक्सिस चाहिए फिर ऑर्डिनेट्स चाहिए फिर ऑर्डिनेट्स को फिर बनाई देंगे है ना चलो सबसे पहले तो पैराबोला बनाते हम Y equal to, अगर इसको positive X तो y equal to X square कैसा बनेगा बनेगा कौन सा फेसिंग? X की plus minus के लिए y positive, upward facing. Upward facing बनेगा ना ऐसा तो बनेगा कुछ ओरिजिन से गुजरता हुआ ठीक है अब ये तो हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ उसके बगल में कैसा बनेगा? इसमें क्या होगा की की पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू तो डाउनवर्ड फेसिंग बोला। जस्ट इसका उल्टा कटोरा? तो, तो मॉडुलस जो फंक्शन होता है ना बेटा वो एक्चुअली दो तीन फंक्शंस को मर्ज करके एक फंक्शन लिखने का तरीका ही होता है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर से दो फंक्शंस निकल रहे हैं ऐसे मानो एक निकल रहा है वाई इक्वल टू एक्स इंटू पॉजिटिव एक्स या एक्स स्क्वायर इस और दूसरा y टू एक्स इन टू नेगेटिव एक्स माइनस एक्स तो वो चाहे तो ऐसे भी कह सकता है कि दो कर वेल टू माइनस वो नहीं कहता वो क्या कहता है आपको कंफ्यूज करता है ना ओके चलो एक्स एक्सिस भी चाहिए ओर्डिनेट्स क्या चाहिए एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू प्लस वन तो अंदाजे जैसे माइनस वन में यहां ले लेता हूं अच्छा ओर्डिनेट्स नीचे तक जाएंगे ऐसे थोड़ा सा और दूर ले लो थोड़ा बड़ा एरिया दिखेगा तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी तो लगभग इतना ही पोर्शन यहाँ ले लो अब आप खुद सोचो एक्स एक्सेस से इस कारो से एक्स एक्सेस का है इसमें एक्स एक्सेस तो का तो कोई रोल ही नहीं है एक्स इक्वल टू माइनस वन से और एक्स इक्वल से कौन सा एरिया बाउंड होगा कौन सा वाला एरिया बाउंड लिखने का क्या रोल हुआ वो समझ नहीं है मुझे देखो एक्सिस अपन कोई भी लाइन चीज लिखते हैं तो उस चीज को लिखने का ये रोल होता है कि वो एक ऐसे दीवार काम करे तो एक्सिस तो इस एरिया में कुछ दीवार का काम कर ही नहीं रही है कर रही है क्या तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इस एरिया का चार गुना कर दो तो आंसर है क्योंकि चारों एरिया सिमेट्रिक है ठीक है तो एक बार ऐसे करके देख लेते हैं ठीक है सो ये हो जाएगा हमारा ओ जीरो कोमा जीरो फिर इसको मार्क करना पड़ेगा क्या होगा ये क्या थी एक्स इक्वल टू वन थी वन थी ना तो वन कोमा वाई वन और फिर ये फोर्ट ऑफ द परपेंडिकुलर पी वन कोमा जीरो तो जीरो से लेके वन इंटीग्रेट करना है चार गुना करना है छत का काम कौन करेगी ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है ना और अगर चारों का अलग अलग निकालें तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव और ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे माइनस वन कोमा जीरो ठीक है ना तो माइनस वन से लेके जीरो तक इंटीग्रेट करना है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो से लेके वन इंटीग्रेट करना है पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन को यूज करें तो इसका चार गुना है रिक्वायर्ड एरिया निकाल के देखते हैं क्या निकलता है निकलता है ये एक्स एक्सिस ने जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो रिक्वायर्ड एरिया का भी कुछ नामकरण है नहीं हमारे पास ऑथेंटिकेटेड तो ए लिख दूँ चार गुना एरिया ओ पी ए ओ ओ पी ए वैसे तो उसने देखो एंड में भी दिया है हाँ तो हम सही कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे फिर तो ना ठीक है तो फोर इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन और एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स क्यूब बाय थ्री थ्री को बाहर निकाल दू जीरो से वन ठीक है फोर बाय थ्री और ये हो जाएगा वन माइनस जीरो यानी कि फोर बाय थ्री स्क्वायर यूनिट आंसर आ रहा है ऑप्शन में नहीं है, है ना ऑप्शन डी देखो ऑप्शन डी नहीं आ रहा सी आ रहा है ना ऑप्शन सी आ रहा है तो ये एक्स एक्सेस का कुछ ना कुछ पंगा है आधा आ रहा है इसका आंसर मतलब ये चार की जगह दो का ही दो गुना ही होगा इसको एक पार्ट हाँ मतलब इधर का एरिया निकालें इधर का नहीं निकालें तो फिर एक्स इक्वल टू माइनस वन का क्या रोल हुआ ये ऑर्डिनेट देने का भी तो कुछ रोल होगा ना इंड क्या है पुट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाईकल टू माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही बनता है ना ये तो शोर है ना डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला ही बनेगा और ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ही बनेगा फॉर्मूला सही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव यही तो बनता है x की पॉजिटिव x स्क्वायर यानी कि x की नेगेटिव को स्क्वायर करूं या पॉजिटिव का स्क्वायर करूं y पॉजिटिव बन रहा है ना अपवर्ड फेसिंग और माइनस कर दूंगा तो डाउनवर्ड फेसिंग चलिए इसको एक बार डाउटफुली रखिए इसको सेव कर देता हूं मैं देखते हैं अगला क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखते हैं पहले है ना लेट मी सेव दिस क्वेश्चन नंबर पढ़ी जब तक के बाद से शुरू कर देंगे फिर लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर एटीन द एरिया ऑफ द सर्किल है एक्सटीरियर टू द पैराबोला पैराबोला भी है सर्किल भी है लेकिन उसका एक्सटीरियर वाला पॉइंट निकालना तो पहले सर्किल बना दूं मैं रेडियस फोर दिख रही है इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ सीधे बनाता हूँ मैं रेडियस फोर यूनिट है क्योंकि सिक्सटीन है ना सर्किल 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 एंड सर्किल तो इसको फोर कोमा जीरो जीरो कोमा फोर इस तरीके से मार्क कर सकते हैं ठीक है चलो पॉइंट्स मार्क कर देते हैं तो ये तो जीरो कोमा जीरो ओरिजिन इसको बोलो ए फोर कोमा जीरो ये बी जीरो कोमा फोर सी माइनस फोर जीरो एंड डी डी बोलो जीरो -4. माइनस फोर ठीक है अब पैरा बोला बताओ क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स कैसा होगा कौन सा फेसिंग y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव राइटवर्ड फेसिंग देखो जिसका स्क्वायर करे उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लेनी तो वाई की पॉजिटिव ऊपर वाई की नेगेटिव इधर और एक्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव राइट साइड में तो इन तीन कोनों को मिलाओ पहले था इक्वल टू एक्स स्क्वायर अभी है वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स है ना पहले तो x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव तो पॉजिटिव ऊपर अभी वाई की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव राइट साइड पहले भी सही था अभी भी सही है ना अभी तो बनाया नहीं खेर अब बनाएंगे राइट वर्ड फेसिंग तो राइट वर्ड फेसिंग इस तरीके का बनेगा ये लो अब फटाफट खत्म करो उसको क्योंकि क्या है अब दिमाग नहीं चल रहा है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि अब बस खत्म हो गया है ना ओके अब देखो लेकिन वो क्या कह रहा है सर्किल के एक्सटीरियर टू द पैराबोला अब देखो सर्किल और इस पैराबोला के बीच के एरिया दो प्रकार के हैं एक तो ये एक ही है। तो उसने क्या कहा पैराबोला से एक्सटीरियर चाहिए ये तो पैराबोला के इंटीरियर है राइट साइड वाला तो ये तो पैराबोला के इंटीरियर है पैराबोला इस साइड है ना तो पैराबोला का एक्सटीरियर मतलब बचा हुआ एरिया तो बचा हुआ एरिया कैसे निकालना है मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है दैट मीन्स मुझे ये वाला एरिया निकालना है अब ये एरिया कैसे निकले तो ये एरिया निकालने मत बैठ जाना इंटीग्रेशन से तरीका यही है कि सर्किल के एरिया से ये वाला एरिया ही माइनस करना पड़ेगा ठीक है ना उस वाले एरिया को निकालने बैठेंगे तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाएगा ना तो अब ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया के लिए भी ऊपर वाले का डबल करना है सो इन शॉर्ट केवल ये वाला एरिया निकालना है डबल करना है सर्किल के एरिया से घटाना ओके ठीक है ये काम करना है ठीक है और इसको भी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इनको एमसी क्यू उसमें किसने रख दिया ऐसे को ठीक है इनको भी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसको भी एक ओ ए बी सी डी सब काम आ गया से इसको पी क्यू ले लो फिर पी क्यू ठीक है तो क्लैश करवाओ फटाफट और पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं फटाफट तो इक्वेशन क्या गिवन है आपको एक्स स्क्वायर सर्किल की इक्वेशन बताओ तो सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वल टू सिक्सटीन एंड एंड पैराबोला की इक्वेशन है बोलो वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स और क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए तो वाई स्क्वायर की वैल्यू सिक्स एक्स उधर पुटअप कर दूं ठीक है सो इक्वेशन वन इक्वेशन और वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी इनसे है ना फंक्शन बनाने के लिए चलो तो, वाई की पुट अप कर दूं, तो क्या स्क्वायर की 0. तो, 16 बनाना है, तो कैसे बनाओगे एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो सही है एट माइनस टू तो एक्स कॉमन तो एक्स प्लस एट माइनस टू कॉमन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो एक्स प्लस एट और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू माइनस एट और एक्स की वैल्यू प्लस टू तो अगेन पिछली बार की तरह नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है है ना एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना कहीं पर भी एक्स की वैल्यू ले नेगेटिव ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव माइनस एट तो वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस फोर्टी एट पॉसिबल ही नहीं है देखो एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव एट ले लेता हूँ तो सिक्स इंटू माइनस में आ जाएगी तो इसलिए तो मतलब uh, और ये क्या हो जाएगा टू कॉमा जीरो चलो इंटीग्रेट करें जीरो से लेके टू और टू से लेके फोर जीरो से लेके टू तो होगा ब्लू वाला ब्लू वाला कौन है ये तो यहाँ से इसको फंक्शन टू एफ ऑफ एक्स मान लें तो ये ठीक है अंडरू, 6X, ठीके, ठीके, और यहाँ पे इसको जी जी एक्स मानेंगे, तो वो क्या हो जाएगा एक्स एक्स ठीक है दोनों फंक्शन मिल चुके हैं अब रिक्वायर्ड एरिया बताओ रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू अब उस रिक्वायर्ड एरिया को हल फिलहाल अपन ए नाम दे देते हैं इक्वल टू बोलो क्या होगा देखो सर्किल का एरिया चाहिए सर्किल का एरिया भी यूजिंग इंटीग्रेशन चाहिए यूजिंग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे एक क्वाड्रेंट के एरिया का चार गुना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ले लूं पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया जीरो से लेके फोर इंटीग्रेट होगा रेड लाइन ओके सो ए फोर टाइम्स एरिया क्योंकि यूजिंग इंटीग्रेशन चाहिए ना फोर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ नाम बोलो उसका क्या हो जाएगा ओ ए बी ओ ओ ए बी ओ एरिया ओ ए बी ओ ये है टोटल सर्किल का एरिया माइनस अब ब्रैकेट लगाओ और ये वाला एरिया घटाना है तो ये वाला एरिया क्या है दो गुना ऑफ दो गुना ऑफ एरिया दो गुना ऑफ एरिया ओ इसको भी एक मार्क करो पी क्यू आर तो ओ आर ए पी ओ सर्किल के एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर रहे हैं ना सर्किल का एरिया तो हो गया फोर टाइम्स ऑफ दिस अब इस एरिया को क्या कहूँगा मैं ओ आर ए पी ओ ओ आर ए पी ओ ओ आर ए पी ओ डन चलो जी अब इंटीग्रेशन में रखना शुरू करें अच्छा एक मिनट रुको पहले उसको भी अभी स्प्लिट करना पड़ेगा ना दो में एक बार के लिए ऐसे ही रखो एक, अगली स्टेप में करेंगे माइनस टू टाइम्स ऑफ ब्रैकेट लगाओ फिर से आ जाओ तो ये एरिया क्या हो जाएगा ओ आर ए पी ओ अच्छा टू लगा दिया था क्या मैंने एक मिनट रुको यहाँ पे टू मैंने लगा दिया था ये टू हटा दो एक बार है ना ओ आर ए पी ओ अब टू लग गया तो केवल ऊपर वाला रह जाएगा है ना ठीक है समझ आया ना जब टू नहीं लगाएंगे तो पूरा ओ आर ए पी ओ जब टू लगा दिया तो ऊपर वाला ओ क्यू ए पी ओ क्यू ए पी ओ क्यू ओ क्यू ए पी ओ अगेन अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है आपको फोर टाइम्स एरिया ओ ए बी ओ माइनस ब्रैकेट लगाओ टू अब इसको स्प्लिट करो दो में तो ये क्या हो जाएगा ओ क्यू पी ओ क्यू पी ओ एरिया क्यू पी ओ प्लस एरिया क्यू ए पी क्यू क्यू ए पी क्यू ठीक है और इसका भी दो गुना होगा क्योंकि ऊपर और नीचे है ठीक है चलो अब इंटीग्रेशन करना शुरू करें तो फोर टाइम्स तो इंटीग्रेशन होगा सर्किल यानी जीरो से लेके कहा हो रहा है ये जीरो से लेके पूरा फोर और ब्लू ब्लू लाइन का मतलब एफ एक्स नहीं ब्लू हाँ हाँ सर्किल का कर रहे हैं रेड तो यानी जीओ एक्स है ना तो ये हो जाएगा फोर जीरो से लेके क्या था फोर और जी ओफ एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट लगाओ या फिर दो बार माइनस माइनस कर देना माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू दिस कैसे भी कर दो ये क्या होगा zero से लेके टू था बीच में और टू से लेके फोर ब्लू तो है, है अभी इन दोनों की लिमिट सेम नहीं है देखो जीरो तो मर्ज कर देते अपन है ना चलो एनीवेज चलो अपटअप करो जीरो से लेके फोर क्या था जीओफेक्स डी एक्स फिर दो गुना जीरो से लेके टू ब्लू क्या था अंडर रूट सिक्स एक्स डीएक्स माइनस दो गुना इसमें क्या था अंडर रूट सिक्सटीन माइनस इसमें से काम करता हूं रूट सिक्स एक्स में से रूट सिक्स तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेता हूं केवल अंदर एक्स ले लेता हूं तो ये टू तो रूट सिक्स हो जाएगा बाहर चलो जी अब इंटीग्रेशन करने का काम बचता है फोर टाइम्स ऑफ आ जाओ सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर सिक्सटीन क्या है फोर का एक्स बाय टू रूट सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी सिक्सटीन एट साइन इनवर्स एक्स बाय फोर लिमिट जीरो टू फोर माइनस अरे एक्स लगा दिया यहाँ पे सिक्स आएगा ना माइनस टू रूट सिक्स टाइम्स ऑफ आ जाओ एक्स स्क्वायर अपॉन टू तो टू बाहर ले लो तो टू से टू कट गया एक्स स्क्वायर जीरो से लेके टू माइनस टू आ जाओ सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर को वापस सेम टू सेम वही लिख दू कॉपी पेस्ट एक्स बाय टू रूट सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट साइन इनवर्स एक्स बाय फोर लिमिट हो जाएगी इसकी टू टू ठीक है चलो तो फोर टाइम्स फोर टाइम्स फोर ही पुटअप करना पड़ेगा जीरो से तो शायद सब कर जाना है four, four भी पुटअप करोगे तो पहली वाली टर्म जीरो प्लस अगली वाली टर्म बताओ फोर पुटअप करो तो फोर बाय फोर वन यानी कि साइन इनवर्स पाई बाय टू एट इंटू फाइव बाई टू एट इंटू टू ठीक है माइनस अब जीरो पुट अप करते सब कट रहा है जीरो से ये जीरो हो रहा है और ये जीरो होता है तो जीरो जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो आगे बढ़ो माइनस रूट सिक्स तो बाहर है ही और इधर क्या पुट अप करना था अपने को जीरो और टू तो फोर माइनस जीरो और आगे बढ़ो इधर क्या है माइनस टू तो बाहर है और अंदर वही फोर और जीरो से हमने सॉल्व किया ही था अभी -भी, अभी 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 पीछे सॉल्व किया है तो क्या बनाता जीरो प्लस एट इंटू पाई बाय टू सेम वही बनेगा जीरो प्लस एट इंटू पाई बाय टू माइनस जीरो माइनस जीरो अच्छा सॉरी फोर और टू है आपकी बार तो फिर कुछ बनेगा यहाँ पे ना टू लगाओ टू लगाओ टू तो टू लगाओगे तो टू बाय टू कट गया है तो और सिक्सटीन माइनस टू का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर सिक्सटीन माइनस फोर रूट ट्वेल्व रूट ट्वेल्व यानी कि टू इंटू टू इंटू थ्री यानी टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री और अभी उसमें भी माइनस लगा बाय टू साइन आएगा ठीक है चलो जी तो टू फोर जा फोर पाए फोर पाए टू फोर सिक्सटीन पाए माइनस रूट सिक्स फोर रूट सिक्स अब इधर आओ टू से फोर टाइम तो ये गया है ना और थ्री से फोर टाइम ये गया तो फोर पाए देखो एक बार चलो माइनस टू को बाहर रखो क्या बचा अंदर फोर पाए माइनस टू रूट थ्री माइनस फोर पाए बाय थ्री तो फोर पाए माइनस फोर पाए बाय थ्री को सॉल्व करो सिक्सटीन पाए माइनस फोर रूट सिक्स माइनस टू क्या हो जाएगा थ्री जाए ट्व ट्वेल्व माइनस फोर पाए एट पाए बाय थ्री माइनस टू रूट थ्री चलो टू से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पाए माइनस फोर रूट सिक्स और ये क्या हो जाएगा सिक्सटीन पाए बाय थ्री प्लस फोर रूट थ्री ओके सो थ्री को एलसीएम ले लो फोर्टी एट पाए में से सिक्सटीन पाए गए तो थर्टी टू पाए बाय थ्री माइनस फोर रूट सिक्स प्लस फोर रूट थ्री क्या आंसर आ रहा है ऐसा तो कुछ ही नहीं आ रहा फोर बाय थ्री कॉमन लिया है तो थर्टी टू पाए बाय थ्री तो आ रहा है हमारा लेकिन माइनस फोर रूट थ्री बाय थ्री आ रहा है फोर रूट थ्री बाय सी ऑप्शन है पर आया नहीं ना सी ऑप्शन फोर रूट थ्री बाय थ्री आ रहा है देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो फोर बाय थ्री को अगर मैं कॉमन ले लू यहां से फोर बाय थ्री को अंदर मल्टीप्लाई तो फोर बाय थ्री इंटू एट पाए थर्टी टू पाई बाय थ्री तो बन रहा है हमारा ठीक है और फोर बाय थ्री इंटू वो करूं तो माइनस का फोर रूट थ्री बाय थ्री माइनस का फोर रूट थ्री बाय थ्री आना चाहिए लेकिन हमारा आ रहा है फोर रूट सिक्स प्लस फोर रूट था क्या गलती कर दी देखो ये जीरो से लेके टू है ना रूट सिक्स एक्स है इसका आंसर और ये टू से लेके फोर तो जीरो से लेके टू कहां था हाँ अपन एक्स स्क्वायर बाय टू कर रखा है इसको अपन इसको एक्स स्क्वायर बाय टू कर रखा है तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको ठीक है तो यहीं से गलती चल रही है फिर तो इसको सही करो हाँ तो टू रूट एक्स तो बाहर टू रूट एक्स टू रूट सिक्स बाहर और ये क्या हो जाता है टू बाय थ्री टू बाय थ्री को बाहर ले लूँ फिर तो फोर बाय थ्री हो गया और एक्स की पावर थ्री बाय टू ठीक है चले हम नेक्स्ट तो ये हो जाता है फोर रूट सिक्स बाय थ्री तो बाहर यहां पे फोर रूट सिक्स बाय थ्री तो बाहर और अंदर जो है टू की पावर थ्री बाय टू यानी टू क्यूब यानी टू रूट टू टू की पावर थ्री बाय टू टू रूट टू माइनस जीरो है ना टू रूट टू माइनस जीरो ना कि फोर माइनस जीरो ठीक है अभी अब आ जाओ यह तो अपने सोल्व कर ही दिया था इसको सोल्व करना है बस और फिर ये तो अलग था ही सही तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करो फोर टू जाए एट बाय थ्री अंडर रूट ट्वेल्व क्या होता है देखो एट बाय थ्री अंडर रूट ट्वेल्व अंडर रूट ट्वेल्व क्या होता है टू रूट थ्री तो सिक्सटीन रूट थ्री बाय थ्री सही है सिक्सटीन रूट थ्री बाय थ्री कर दू उसको सिक्सटीन रूट थ्री बाय थ्री हर जगह इधर भी इधर भी सिक्सटीन रूट थ्री बाय थ्री सिक्सटीन रूट थ्री बाय थ्री और इधर भी सिक्सटीन रूट थ्री बाय थ्री अब आप इसको भी थ्री एलसीएम से सॉल्व करो है ना सो थर्टी टू पाइव बाय थ्री इसको पॉजिटिव को पहले ले लो तो थ्री एलसीएम पॉजिटिव को मैं पहले ले लेता हूँ, तो इस ट्वेल्व रूट थ्री माइनस कितना बचा माइनस का माइनस का फोर रूट थ्री बाय थ्री फोर बाय थ्री दोनों में से कॉमन निकालो एट पाय माइनस रूट थ्री मैच ऑप्शन नंबर सी So, x का इंटीग्रेशन कर दिया अपने रूट एक्स की जगह जिससे पूरा कबाड़ा हो गया बट थैंक गॉड टाइम पे अपने को मिल गया ऑप्शन सी क्या सोच के इसको एमसीक्यू में डाला है वो समझ में मेरे तो बिल्कुल परे है है ना कहीं किसी भी एंगल से एमसी की उससे ज्यादा लेंदी है इतना टाइम तो उनको भी करने में नहीं लग रहा था ना? चलो एनीस लास्ट क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाई एक्स वाइकल टू कोस एक्स वाइकल टू साइन एक्स वैन एक्स की वैल्यू जीरो और पाए बाय टू के बीच मैंने फर्स्ट क्वार्टर में है ना आ जाओ तो साइन एक्स फोसेक्स दोनों के ग्राफ्स अपने को पता होने चाहिए टू तो सॉल्व दिस क्वेश्चन पता है ठीक है और ज़्यादा लंबे नहीं जाने जीरो टू पाए बाय टू ही जाना है ऐसा नहीं कुछ लेंदी बनाना है अपने को बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह जीरो से लेकर पाए बाय टू आ गया आपका साइनेक्स और ये यह यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया आपका फोसेक्स बस पाए बाय टू पा बाय टू की रेंज तक ही तो जाना है ना आगे हम सोचें क्यों ये पाए बाय है पाए बाय टू पे साइन एक्स तो वन होता है और ये जीरो होता है ठीक है ये पॉइंट क्या हो जाएगा पाए बाय टू कॉमा जीरो और ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो किस, -किस के बीच का एरिया चाहिए वाई एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, चाहिए? y equal to Cossacks, y cos x, sin x, दैट means दिस एरिया दिस एरिया ठीक है ना y एक्सिस बाउंड्री का काम कर रही है फिर cos x एक बाउंड्री का काम कर रही है फिर sin x तो ब्लू रेड एंड ब्लैक से यही वाला एरिया बनेगा और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में और चाहिए अच्छा चा, ये क्लैश वैसे तो आपको करवाना होता है लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये क्लैश फाइव बाई फोर पे होगा क्योंकि x और x दोनों एक ही बन जाते हैं फाइव बाय टू पे और पाई बाय फोर पे So, ये कॉमा जीरो लेकिन आप वाई एक्सिस से सोच रहे हो बेटा तो वाई एक्सिस से अगर सोच रहे हो तो इसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे तो पाव बाय फोर कॉमा क्या होगा बताओ पाव बाय फोर पे दोनों क्या बन जाते हैं साइन पाई बायर साइन फोर्टी फाइव एंड कॉस फोर्टी फाइव दोनों के दोनों पाव बाय फोर में मर्ज हो जाते हैं लेकिन वैल्यू क्या बनती है उससे अगर वन बाय रूट टू तो इसके कॉर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पाई बाय फोर कॉमा वन बाय टू समझ आ रहा है वन बाय रूट टू तो आपको जब वाई एक्सेस से चलाना पड़ेगा इसको तो इस तरीके से आप बाउंड्री बनाओगे ठीक है ना तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो कॉमा वन बाय टू ये इसकी इसकी कोई जरूरत नहीं थी है ना जीरो कॉमा वन बाय रूट टू और उसके भी निकालने पड़ेंगे इसके तो ये क्या था जीरो कॉमा वन जीरो कॉमा वन तो यानी कि आपको रेड को इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके वन बाय टू और फिर ब्लू को इंटीग्रेट करना है से one. हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा फिगर हमने गलती से छोटा बना दिया बड़ा सा बेकार बना देना रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू मिती डायरेक्टली कर रहा हूं तो है ना जीरो से लेके वन बाय रूट टू गलत पहले तो मुझे बताओ रेड वाला ग्राफ क्या है वाई इक्वल टू साइन एक्स लेकिन अब वाई एक्स इसके रेफरेंस में ले रहे हो अब ए, एक काम करते हैं बेटा एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स वाई का इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा बहुत भारी काम हो जाएगा एक काम करते हैं हमको एरिया तो यही चाहिए लेकिन ऑर्डिनेट्स क्या आंसर बनाएंगे वो तो हम पे डिपेंड करेगा ना हम क्यों ऑर्डिनेट्स मतलब हम हम बेस वाई एक्सिस को लें या एक्सिस को लेंगे तो हमारी मर्जी समझ आया देखो उन्होंने कहा था वाई एक्सिस को दीवार की तरह काम में लेना ले लीजिए साहब एरिया भी बाउंड हो गया लेकिन अब इस एरिया को निकालने के लिए वाई एक्सिस को ही बेस लें ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है हम तो एक्सिस को बेस लेंगे ये एरिया चाहिए आपको ये एरिया चाहिए तो ब्लू में से ये रेड वाला एरिया व्हाइट वाला माइनस कर दो ना एक्सिस को बेस लेने से भी काम चल रहा है ना और दोनों की लिमिट भी वही बन रही है जीरो टू फाइव आई ये ज्यादा आसान काम है फालतू ही हम उलझ रहे हैं ठीक है ना वाई एक्सिस लिखने का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि वाई एक्सिस को बेस लेना कंपलसरी है ई एक्स तो एक एरिया बाउंड करने का काम कर रही है अब उसके बाद बेस क्या लेना है वो आपकी मर्जी है वाई एक्स को भी ले सकते ठीक है फंक्शन उल्टा सोचना पड़ जाएगा नहीं तो ठीक है समझ गए तो क्या करूंगा रिक्वायर्ड एरिया निकालो एक दीवार की तरह यूज हो रही है दीवार की तरह यूज हो रही है लेकिन एरिया बाउंड हो गया एरिया बाउंड होने के लिए इसी को बेस लो ऐसा किसने का बेस तो हम इसको भी ले सकते हैं ना अगर मैं इसको बेस ले रहा हूं तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया हो रहा है और अगर मैं इसको बेस ले रहा हूं तो ब्लू वाले एरिया में से रेड वाला एरिया ब्लू वाले एरिया में ये पूरा एरिया माइनस रेड वाले एरिया में से नीचे वाइट पोर्शन वाला एरिया और दोनों के लिमिट जीरो टू फाइव बाय फोर हो जाएगी ठीक है रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आ, बोलो जीरो टू फाइव बाय फोर कॉमन लिमिट लगा देते हैं ब्लू ब्लू कॉन है कॉस एक्स माइनस रेड कॉन है साइन एक्स डी एक्स ठीक है तो इंटीग्रेट कर दो फटाफट कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है ना तो प्लस कॉस एक्स सॉरी बिग ब्रैकेट लगेंगे जीरो टू फाइव बाय फोर ठीक है तो इट इज लाइक साइन फाइव बाय फोर प्लस कॉस फाइव बाय फोर माइनस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो तो साइन फाइव बाय फोर वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू माइनस साइन जीरो क्या होता है जीरो और वो क्या होता है वन तो नेगेटिव एरिया कैसे आ गया वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू नहीं वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू पॉजिटिव है ना क्या हो जाएगा टू बाय रूट टू टू बाय रूट टू यास वन स्क्वायर यूनिट ऑप्शन बी आना चाहिए रूट टू माइनस है? समझ आया ठीक है तो अब एक्सेस हो गई एक क्वेश्चन उसमें बस अटक रहे हैं हम उसमें मोस्ट uh, प्रोबेबली तो क्वेश्चंस में ही गेवन uh, पॉइंट्स में ही प्रॉब्लम है वो एक्स एक्सेस जबरदस्ती बीच में दे रखी है फिर भी एक बार और देख लेंगे उसको ठीक है एक yeah. इसको, इसको करें। चलो, students, लगे हाथ लेट्स आल्सो क्योंकि उसको खत्म ही कर देते हैं कुछ ना कुछ या तो हम गलती कर रहे हैं क्वेश्चन एक, एक बार वापस क्वेश्चन के जो सेव्ड इमेज है उसको खोल देता हूँ फिगर एंड कैलकुलेशन दोनों की इमेज हमने सेव कर रखी फॉर द फ्यूचर रेफरेंस ओके सो दिस वाज द इमेज इसको तो कर दो डिलीट ये तो हो गया

और इस तरीके से ये एक दो तीन चार ये चार एरिया बाउंड हो गए तो हमने क्या करा चार गुना कर दिया इसमें बट आंसर पीछे टू बाय थ्री आ रहा है दैट मीन्स इसका हाफ एरिया आ रहा है दैट मीन्स दो पोर्शन ही काउंट होंगे बट वो क्यों ये चार पोर्शन काउंट नहीं होंगे देखो चार का पोर्शन का एरिया फोर बाय थ्री है तो टू बाय थ्री यानी दो यानी हर एक पोर्शन का वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री एरिया है तो वो चार पोर्शन नहीं वो दो पोर्शन ही काउंट करा है और एक्स एक्सिस एक, एक लाइन और बीच में डाली हुई है एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस तो देखा जाए तो देखा जाए तो देखो मैं एक बार ये टोटल एरिया को अगर बाउंड करूँ ये वाला एरिया शेड कर रहा हूँ टोटल चारों गुना को मिला के और ये वाला तो इसमें एक्स एक्सिस कहीं दिख ही नहीं रही है इसमें एक्सेक्स कहीं दिख ही नहीं रही है तो एक्सेक्स लिखने है। अब ये टोटल एरिया बाउंड हो गया इनका उसके बीच का तो इसमें एक्सेक्स तो कहीं दिख ही नहीं रही है ना तो एक्सेसिस जो भी अपन जिसका भी अपन जिक्र कर रहे हैं वो एक बाउंड्री का काम करती है तो दीवार बनती है छत बनती है फ्लोर बनती है वो तो कहीं दिखी नहीं रही है वो तो एरिया के बीच में से निकल रही है तो ये समझ नहीं आ रहा कि कि एक्सेक्सेस लिखी क्यों है अब या तो एक्सेक्स गलती से लिखी है और या फिर उसका मतलब कुछ अलग है हम पिक नहीं कर पा रहे एक्सेस कुछ ना कुछ दीवार बनने का काम कर रही है बट वो कैसे हम समझ नहीं पा रहे ठीक है ना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर ये है वाई इक्वल और वाई इक्वल टू एक बार देखो कर गया था वाई इक्वल टू एक्स इन टू मॉडुलस एक्स एक बार इसको स्प्लिट करो तो ये क्या हो जाएगा एक्स एन एक्स और ये हो जाएगा एक्स इन माइनस एक्स अच्छा x इन टू एक्स कब होगा हाँ देखो पकड़ में आ गया x इन टू ये मॉडुलस x पॉजिटिव x में कब को लेगा जब x जीरो से बड़ा होगा और ये नेगेटिव x कब को लेगा इधर फिर से लिख देता हूं मैं वाईल टू आ गया बेटा आंसर उनका करेक्ट है हम पिक नहीं कर पा रहे थे और माइनस स्क्वायर

नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए तो आपको ये वाला ग्राफ लेना है ये वाला मैं इसको क्या करूं ब्लू मार्क कर देता हूं ये वाला ग्राफ लेना Actually, जो हमने बनाया वो गलत है हमने जो इसके चार कौस बनाए ऐसे 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 एक्चुअली ये दो ही कौस बनेंगे एक तो ये ब्लू वाला और एक ये रेड वाला यही इस इस फंक्शन का ग्राफ है जो मैंने अभी बिल्कुल डार्क कर दिया है ना और ये जो ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है ये वाला वेस्ट है ये बनेगा ही नहीं और ये बनेगा ही नहीं देखो सिंपल सी बात है इधर देखो स्क्रीन पे जब अपन इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है और इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है लेकिन वो कहते दोनों बनाओ वो कहता है y equal to modulus X का ग्राफ बनाओ तो में ये वाला ग्राफ बनता है थोड़ा बनता है जबकि जब हमने जब उसको अलग अलग किया तो ग्राफ ऊपर और नीचे तो सिमिलरली इधर वाईक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ तो है ये वाला और वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ है ये वाला लेकिन x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वाला ग्राफ सोचना है और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वाला ग्राफ सोचना है हम तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए दोनों ग्राफ सोच रहे हैं ये गलती है हमारी ठीक है करेक्ट फिगर की बात करूं तो करेक्ट फिगर ये बनेगा इसका इधर देखो फिर अभी कैलकुलेशन में तो बस छोटी सी फोर की जगह टू करना है और आंसर है पर ग्राफ समझो आप ग्राफ कैसा बनेगा देखो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है नो no डाउट लेकिन ये ग्राफ केवल एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही बनाना है तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाना है तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू यानी यानी से राइट साइड में ये ग्राफ केवल इसके लिए ही बनाना है और वाईक्वल टू माइनस एक्स स्पायर का ग्राफ वैसे ऐसे बनता है पर ये वाला नीचे वाला ग्राफ केवल और केवल एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए बनाना है तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ बनाना है तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू यानी एक्सएस के इधर याने उस अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का राइट right पोर्शन लेना है और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला का लेफ्ट पोर्शन लेना है और फिर अब देखो एक्स एक्सिस जो है दीवार का काम भी कर रही है ये एक्स इक्वल टू माइनस वन और ये एक्स इक्वल टू प्लस वन बन रही है अब ये एक्स एक्सिस जो है आपकी दीवार का काम कर रही है बिल्कुल कर रही है ऐसे 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 एक एरिया ये और ऐसे 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 ठीक है? है है और ये ये, जीरो ही सही? तो वन आपको plus x square को करना है, जब आप माइनस एक्स स्क्वायर को कर रहे हो तो वो एक्स के नीचे आ गया उसका मॉडुलस भी लेना है तो ये ना करके हम क्या करें दोनों सिमेट्रिक है इसका डबल कर दे बस तो जो हम कर रहे थे उसका बस आप चार गुना कर रहे थे क्योंकि आप ये वाला आप ये वाला एरिया और आप ये वाला एरिया भी शामिल कर रहे थे ये वाले दो एरिया शामिल नहीं होंगे फिर से कह रहा हूँ फिर से सुनो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो स्क्वायर वाला ग्राफ और एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ यही तो डेफिनेशन है देखो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स ग्रेटर टू जीरो पढ़ो एंड माइनस एक्स स्क्वायर फोर एक्स लेस देन जीरो ठीक है तो इन शॉर्ट हमें इसको डिलीट कर देता हूं और आ जाइए आप एक पूरा डिलीट हो गया क्या चलो पूरा डिलीट कर देता हूं अब कैलकुलेशन बेस पे आ जाइए दैट आपको इसका दो गुना लेना है एक तो ये वाला एरिया और मैं चलो इसके अंदर शेड कर देता हूं मैं एक ये वाला एरिया इन दोनों का समेशन करना था ओनली इसका और इसका इन दोनों का समेशन नहीं करना था तो ये दो गुना होगा चार गुना नहीं होगा दो गुना होगा क्योंकि सिमेट्रिक भी है या तो अलग अलग करके फिर इस वाले पे मॉडुलस लगाओ तो दो गुना करेंगे तो टू बाई थ्री बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर देखो फोर भी ऑप्शन नंबर डी भी उसने रखा है वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए तो ऑप्शन नंबर आंसर नेसेसरी ठीक है तो चलिए ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी सॉल्व हो जाती है ठीक है इसमें जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया कुल मिला के इंटीग्रल्स हमारा सॉल्व हो जाता है तो इसके टेस्ट के लिए आप रेडी रहिए आपके स्कूल लेवल एग्जाम जो भी वो चल रहे हैं आप हाफेलीस उसको कंप्लीट करके आइए जो इसका टेस्ट लेंगे और कल की क्लास कल तो आप ऑफ कह रहे हो परसों के क्लास में देखते हैं जब तक आपका टेस्ट नहीं होता दो तीन दिन हम वेस्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ने, दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार के लिए स्टार्ट करेंगे और फिर दो तीन दिन के बाद इसका टेस्ट लेंगे जब आपके हाफेलीस्ट खत्म हो जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग टू अस हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग एंड बाय